Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. तो हाय एवरीवन, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर। और इसमें जैसे आपको पता ही है कि जैम और गेट स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। हमने सीएसआईआर वाले में भी करवाया था पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री हमने उसमें नहीं करवाया था, हमने सिर्फ पेरिसाइक्लिक करवाया था। तो पेरिसाइक्लिक में अभी करवाऊँगा, और रेफरेंस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट होगी, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करूँगा मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, हम पेरिसाइक्लिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पेरिसाइक्लिक में आप सबको पता ही है, पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक, देन आई विल डिस्कस साइक्लोएडिशन, ठीक है। आई विल टेल यू अकॉर्डिंगली कि जैम स्टूडेंट्स के लिए कहाँ पर इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर गेट स्टूडेंट्स के लिए ही वो टॉपिक है, राइट। साइक्लोएडिशन में 4+2 में हम डील्स एल्डर बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, बिकॉज डील्स एल्डर में गेट और जैम दोनों में से आ रहा है, ठीक है। और जैम के लिए तो डील जेल्डर इंपॉर्टेंट है, बाकी 4+2 लाइक 1-3 डायपोलर साइक्लोएडिशन मैं डिस्कस नहीं करूँगा फॉर द जैम स्टूडेंट्स, ठीक है। देन हम 2+2 साइक्लोएडिशन डिस्कस करेंगे कीटीन और आइसोसाइनेट के केस में, ठीक है। सिग्मा टॉपिक में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1J, ठीक है। तो 1J जस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, आई विल डिस्कस हियर 1-3, 1-5 एंड 1-7, व्हेन आर दे अलाउड, ठीक है, वो चीज़। और उसके सेम हम JJ देखेंगे, JJ मीन्स जैसे हम 3-3 सिग्मा टॉपिक मेन देखेंगे इसमें, ठीक है। और IJ में जैसे हम सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे बेसिकली 2-3 सिग्मा टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चंस आ भी रहे हैं गेट के लिए। जैम स्टूडेंट्स के लिए सिग्मा टॉपिक नहीं है, ठीक है। जैम स्टूडेंट्स केवल इसको इलेक्ट्रोसाइक्लिक और साइक्लोएडिशन के लिए ही देखें, राइट। और साइक्लोएडिशन में भी डीजल, देन हम डिस्कस करेंगे इन रिएक्शन, बाकी जितना भी पार्ट रहेगा लाइक सिग्मा टॉपिक इन एंड मच ऑफ द पोर्शन ऑफ द साइक्लोएडिशन, वो हम गेट स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे देखें फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री तो आपको पता ही है, इट इज़ गेट स्पेसिफिक ओनली, तो गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फोटोकेमिस्ट्री में हम नॉरिश टाइप 1, टाइप 2, डायपाइमेथेन, ऑक्सा डायपाइमेथेन, पेटर्नोब्यूची जो फोटोकेमिकल 2+2 है, अल्यूमिकिटोन, ये सारे डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल। तो चलिए इसी इंट्रो के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक में क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, ठीक है। जैसे हमारे पास जैसे ये हेक्साट्राइन सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करूं, अब हीट भी बहुत चाहिए होती है, अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक होगी। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक को आप इस तरह दिखाते हो, राइट। अब यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप रिंग क्लोजिंग करोगे, ठीक है, तो इसमें आपने किया क्या, इसमें बेसिकली आपने ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाया है एट द एक्सपेंस ऑफ वाई बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग फेवर्ड है, वाई, बिकॉज इसमें देखो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो बन रहा है ना एट द एक्सपेंस ऑफ वाई बॉन्ड, तो जिसके कारण ये वाली जो राइट हैंड साइड पर जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो फेवर्ड है, ऑल दो टेम्परेचर बहुत रिक्वायर्ड है अंडर थर्मल कंडीशन, ठीक है। सेम हम अगर हम बात करें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग की, तो आपके पास ये है जैसे साइक्लोब्यूटीन है। अब यहाँ पे आपको पता है स्ट्रेन ज़्यादा है, रिंग स्ट्रेन ज़्यादा ना, क्यों ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, इवन 4-मेंबर रिंग है। डबल बॉन्ड में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एंगल रिक्वायरमेंट इज़ अराउंड 120 डिग्री, विच इज़ नॉट मेंटेन देयर, ठीक है। तो स्ट्रेन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग अलाउड होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों स्टडी करेंगे। थोड़ा मैं बेसिक से भी शुरू करूँगा, बिकॉज जैम स्टूडेंट्स के लिए तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक से भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं ओपनिंग दिखाऊंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये मिलेगी ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फेवर्ड होगा, बेसिकली ये वाला फेवर्ड है। रीज़न क्या है, यहाँ पे स्ट्रेन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, अगर मैं थर्मल में बात करूँ ना, तो अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस में ये चीज़ हो जाएगी, मींस के टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड है। रीज़न क्या है कि स्ट्रेन रिलीज हो रहा है, सो कम टेम्परेचर, कम एक्टिवेशन बैरियर नीडेड है। बट आपको पता है कि हम थर्मल में भी ये चीज़ कर सकते हैं, इवन फोटोकेमिकल में भी ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इनका जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब मैं इसी को लेके चलता हूँ बेसिक में,
अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, बेसिकली हेक्साट्राइन है ना। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, टोटल आपको देखना है कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। हम ट्रिक्स पे भी फोकस करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करेंगे, बिकॉज एट द एंड आपको ट्रिक्स काम आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास टोटल, अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाऊँ तो टोटल आपके पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स से आप क्या बनाओगे, 6 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स इस केस में आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो तीन आपके एंटी बॉन्डिंग रहेंगे, तीन आपके बॉन्डिंग रहेंगे, ठीक है। ये आपका इसके अबाउट आपने बना दिए, ठीक है। अब उसको हम नंबर कैसे करते हैं, बेसिकली ये हमारा साई वन होगा, ये साई टू होगा, साई थ्री, साई फोर स्टार, साई फाइव स्टार एंड साई सिक्स स्टार। अब इसमें देखो आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर दिस हेक्साट्राइन सिस्टम। तो जब आप फिलिंग करोगे तो फिलिंग में देखो टोटल आपने यहाँ तक फिलिंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंसर्न बेसिकली किससे होता है, होमो से, होमो ये वाला है ना जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, आपको उससे कंसर्न है। अब थर्मल कंडीशंस में जब हम रिएक्शन को कराएंगे तो थर्मल कंडीशन में तो कोई एक्साइटेशन नहीं है, तो हमारा ये वाला क्या होगा, होमो होगा। हमें होमो से कंसर्न है और हमें होमो की सिमेट्री देखनी है, और उस हिसाब से हमने देखना है कि जो एंड वाले ऑर्बिटल्स हैं ना वो किस तरह रोटेट करेंगे। अब रोटेशन दो तरह की हो सकती है, आइदर इट कैन बी कॉन रोटेशन और डिस्ट रोटेशन। अब यहाँ पे देखो होमो में हमारे पास यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। अगर मैं इसका साई थ्री बनाऊँ तो साई थ्री बनाने की ट्रिक क्या रहती है, नैट में ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। साई थ्री में अब देखो ये जो थ्री है इट इज़ बेसिकली आर एन, ठीक है। एन से अगर वन माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप थ्री में से वन माइनस करोगे तो आपके पास दो नंबर ऑफ नोड्स मिलेंगे। अब दो नोड्स आप कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे मैंने इसका क्या बनाना है, बेसिकली यहाँ पे मैंने इसका साई थ्री बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो नोड्स बनाऊँगा अपने दो नोड्स होंगी। तो स्टूडेंट दो नोड्स कैसे होंगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एक चीज़ आप याद रखना, जब भी हमारी जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो ऑड हैं तो जो हमारे ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पे साइक्लाइजेशन होगी, ठीक है, इनकी रोटेशन से साइक्लाइजेशन होगी, उनकी जो सिमेट्री है बेसिकली उनका जो फेज है वो सेम आएगा। जब हमारे पास नोड्स कितनी होंगी, इवन होंगी। नोड्स आप निकालोगे कैसे, एन माइनस वन से। अब इस केस में आपको पता लग गया कि एन माइनस वन जब मैंने किया, थ्री माइनस वन किया तो टू आया, तो टू मीन्स कि हमारे पास इवन है। तो इवन है मतलब कि हमारे पास ये जो एंड वाले ऑर्बिटल्स हैं इन केस ऑफ होमो उनमें फेज सेम है। तो फेज़ अगर आपने सेम बनाया यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम फेज़, सेम फेज़, यहाँ पे ऑपोजिट फेज, क्योंकि यहाँ पे नोड है ना, दो नोड्स हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या है, साई थ्री। अब यहाँ पे आप रोटेशन किस तरह करोगे, देखो अब दोनों जब करेंगी ऑर्बिटल ओवरलैप होगा तो बेसिकली यहाँ पे इसको मैं क्या दिखाऊँगा, इज ए डिस्ट्रोटेशन, ठीक है। ये अपने पास क्या है, डिस्ट्रोटेशन है। तो ऐसे आप कॉन रोटेशन भी कर सकते हो। कॉन रोटेशन आप कब करोगे, मैं आपको समराइज़ कर दूं, जब आपके पास जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो अगर आपके पास इवन है और ऑड है, ठीक है, तो इवन के केस में आप क्या करोगे, डिस्ट्रोटेशन, ऑड के केस में आप क्या करोगे, कॉन रोटेशन। तो डिस्ट्रोटेशन में मीन्स के आइदर लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। और कॉन रोटेशन का मतलब है कि ऑर्बिटल्स आपने सेम साइड पे, तो आइदर इट कैन बी दिस और आइदर इट कैन बी दिस, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। अब जहाँ पे ये जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल भी इसी से आया है। अब यहाँ पे देखो आपके पास अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जब मैंने हेक्साट्राइन लिया अब उसमें आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको याद क्या रखना है, बस एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे कौन आएगा। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडर थर्मल कंडीशन आपके पास कॉन रोटेशन होगी। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारे पास ब्यूटाडाइन है, ठीक है, आपको ओपनिंग फॉर्म में देखना उसको कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। देखो जैसे आपके पास ये है तो टोटल आपके पास चार MOs बनेंगे, जिसमें आपके पास जो साई टू होगा वो आपका होमो बनेगा अंडर थर्मल कंडीशंस। आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स क्या आएंगी, वन आएंगी, सो वन आएंगी तो आपके पास कॉन रोटेशन ऑड है ना, ठीक है। सो ये कॉन हो गया, ये डिस हो गया, ये डिस हो गया, ये कॉन हो गया, बस आपको इतना याद रखना है।
ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है फटाफट करते हैं, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है देखो, जैसे अगर मैं कोई यहाँ पे ग्रुप रख लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मिथाइल रख लूँ, यहाँ पे भी मिथाइल रख लूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रिक होती है जिसमें हम स्टीरियो देखेंगे। अब देखो जब ये साइक्लाइज करेगा तो आपके पास आपको स्टीरियो देखनी है बेसिकली इन दो मिथाइल ग्रुप्स की, है ना। तो स्टीरियो देखने के लिए आपको क्या करना है, अगर से मैं थर्मल कंडीशंस में कराता हूँ तो आपके पास टोटल 4n pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंडर थर्मल कंडीशंस आपके पास क्या होगी, कॉन रोटेशन होगी, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखो ये क्या है, z है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके विद रिस्पेक्ट टू, तो ये z है, यहाँ पे भी ये भी z है, तो z एंड z, ठीक है, तो z और z और cis इट इज़ इक्वलेंट टू z, ठीक है। अगर दोनों बाहर को होते e और e, मीन्स अगर यहाँ पे दोनों बाहर को होते, मीन्स के वो ई एन ई है, तो उस केस में भी हम उसको इक्वलेंट टू जेड लेते हैं। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ। और क्या कर सकते हो, देखो ये भी ले सकते हो, है ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्रीज बता रहा हूँ अबाउट डबल बॉन्ड, एंड देन आप जब ट्रिक अप्लाई करोगे। अब इस केस में क्या है, आपके पास ई जेड यहाँ पे, ई यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ई हो गया, ऐसे ऐसे देखना है, देखो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये ई है और यहाँ पे जेड है, तो ये ई जेड हो गया। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव अ जेड ई, ठीक है, इनको आपने इक्वलेंट टू लेना है टू ई, ठीक है। और जब भी आप कॉन रोटेशन कराओगे आप इनको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, और डिसरोटेशन के केस में आप चेंज नहीं करोगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे यही वाला एग्जाम्पल है, इसमें देखो आपके पास क्या है, इसमें आपके पास जेड जेड है, तो दैट इज़ इक्वलेंट टू जेड ओनली। और जब इस केस में आपके पास टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 4n pi इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4 pi इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो इस केस में आप कॉन रोटेशन करोगे, तो कॉन रोटेशन में z को आप चेंज कर दोगे टू e, तो आपके पास क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स एक दूसरे के e और ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री के आएंगे। तो आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है। कभी कभी ना आपके पास आपको समझ नहीं आएगा कि हम किस तरह उसको ई और जेड देखें, तो एक और चीज़ है, ठीक है, जो आपको अप्लाई करनी है। देखो अगर आपके पास ठीक है, अब जैसे मैं 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही ले लेता हूँ, अब इसमें अगर आपके पास देखो दो ग्रुप्स अंदर को हैं, यहाँ पे कोई आर ग्रुप ले लो, यहाँ पे कोई आर डैश ग्रुप ले लो, तो मैंने दोनों ग्रुप्स अंदर को दिखाए हैं ना, तो जब भी अगर यहाँ पे मैं कॉन रोटेशन करूँगा ना, आइदर दोनों ग्रुप्स इनवर्ड हों या दोनों ग्रुप्स आउटवर्ड हों, बेसिकली वो वही चीज़ है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो कॉन रोटेशन में क्या हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे के ट्रांस चले जाएंगे, और डिसरोटेशन में क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के सिस चले जाएंगे। तो आपको आप ये भी याद रख सकते हो अगर आपको ई जेड देखने में इन केस दिक्कत आई, ठीक है, कि अगर आपके पास जो दोनों आर ग्रुप्स हैं और अगर इनवर्ड आउटवर्ड नहीं है, अलग है, बेसिकली अगर ई जेड है या जेड ई है, तो आप इनको चेंज कर दो, ठीक है ना, ई जेड और जेड ई में आप चेंज कर दो। अभी तो आप इतना याद रखो, इसको आप लिख लो, आइदर दे आर इनवर्ड और आउटवर्ड, तो इसके इसमें आपने ये अप्लाई करना है, तो ये चीज़ होगी। अब तो ये वाला हम क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। देखो इसमें अब सबसे पहले हमें दिया हुआ है थर्मल कंडीशन, ठीक है, अब थर्मल कंडीशंस आपके पास टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, आप देख सकते हो आपके पास टोटल 2, 2, 2, टोटल 6 pi इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो 6 pi इलेक्ट्रॉन्स मींस के हमारे पास 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस अंडर थर्मल कंडीशन वी विल हैव डिसरोटेशन। अब यहाँ पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है, कैसे, ए वाले एच की और ए वाले एच की, है ना, ये देखनी थोड़ी आसान होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास ये वाला सिस्टम है, तो हम जैसे ये एच एस की देख सकते हैं, मिथाइल की भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम इन दो एच एस की स्टीरियो देखेंगे। अब आपको पता है कि जब ये डिसरोटेशन है तो स्टीरियो क्या आएगी अपने पास, सिस आएगी, राइट। आप उसको इस तरह देख सकते हो कि दोनों ग्रुप्स क्या हैं, आउटवर्ड हैं, तो आउटवर्ड में मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास डिसरोटेशन होगी तो दोनों ग्रुप्स क्या आएंगे, एक दूसरे के सिस आएंगे। अब डिसरोटेशन कैसे हो रही है, अंडर थर्मल कंडीशन। अब आप इसको करो फिर साइक्लाइज ऐसे ऐसे, तो आपने क्या कराई, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग कराई,
तो आपको क्या मिलेगा इस केस में, आपको सिक्स मेंबर मिलेगी, ठीक है। अब जब आप ये वाला सिग्मा बॉन्ड नया बन गया, उसके बाद आपने ये वाली चीज़ दिखा दी। अब यहाँ पे ठीक है, 1, 2, 3 और 4, अब यहाँ पे ये वाली चीज़ तो अनइफेक्टेड रहेगी क्योंकि वो तो इन्वॉल्व ही नहीं है ना पेरिसाइक्लिक में, इट इज़ लाइक दिस। तो आपको मैंने स्टीरियो किसकी दिखाई है, इन दो एचेस की, हमने इन दो एचेस की तो स्टीरियो डिस्किस की ना अंडर डिस्टोरेशन, तो वो क्या आएगी बेसिकली यहाँ पे एच और एच दोनों क्या आएंगे, सिस आएंगे। तो आपके पास स्टूडेंट्स प्रोडक्ट आएगा डैट विल बी दिस वन, ठीक है। अब हम करते हैं नीचे वाला, अब इसमें देखो ये वाला, अब इसमें क्या है, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस बट वी हैव, हमारे पास टोटल देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे ना आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व कर सकते हो, आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व कर सकते हो, तो इस केस में आप अंडर फोटोकेमिकल क्या करवाओगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया। अब अंडर फोटोकेमिकल आप देखो, इफ़ आई कंसिडर, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, सो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन हमारे पास क्या होगी, डिस्टोरेशन होगी। अब 4 पाई आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, 1, 2, 3 और 4 मीन्स कि ये वाला पार्ट। तो आपको स्टीरियो किसकी देखनी है, इन दो एचेस की, राइट। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तो आप बना लो। अब जब ये साइक्लाइज करेगा तो आपने क्या की, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग करी किसकी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, एंड दैट अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन इज डिस्टोरेशन, आपको टेबल याद रखना है, ठीक है। तो उसके इसमें हमारे पास क्या आएगा बेसिकली, यहाँ पे 4 मेंबर, और यहाँ पे आप देखो 1, 2, 3, 4 और 5 वहाँ पे 5 मेंबर आएगी लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे मैंने नंबर करा है 1, 2, 3 और 4 एंड देन हमारे पास 5, 6 और 7। अब 5 और 6 के इन बिटवीन तो हमारे पास डबल बॉन्ड था, 2 और 3 के इन बिटवीन हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया हुआ है क्लोजिंग। और इन दो एचेस की हमने अगर स्टीरियो केमिस्ट्री शो करनी है, वो कहाँ पे है, 1 और 4 पे, तो उसकी स्टीरियो क्या होगी, देखो अब डिस्टोरेशन है, दोनों एचेस आउटवर्ड हैं, तो डिस्टोरेशन में मीन्स कि हमें सिस रखनी है, तो सिस रखनी है मीन्स कि यहाँ पे सिस आएगी। अब एक प्रोडक्ट तो ये वाला पॉसिबल है, ये प्रोडक्ट आया कैसे आपको पता होना चाहिए, आपने क्या कराई है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टोरेशन कराई है। अब सिमिलरली मैं क्या लेता हूँ, वहाँ पे मैंने 4 पाई ले लिया, यहाँ पे मैं 6 पाई ले लेता हूँ। अब अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे कॉन रोटेशन होगी। अब कॉन रोटेशन में दोनों आउटवर्ड ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ट्रांस हो जाएंगे, ठीक है, तो कर दो। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करने हैं, ठीक है, इसको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, यहाँ पे इट इज़ लाइक दिस ना। तो आपने क्या करना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब आपने सभी को इन्वॉल्व कर दिया तो आपके पास क्या आई, एक बेसिकली एक 6 मेंबर रिंग आई। अब यहाँ पर मैं नंबरिंग करूँगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैम स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ। देखो आपके पास होगा क्या, आप यहाँ पे लाइक दिस, तो आपके पास 2, 3 के इन बिटवीन डबल बॉन्ड आ गया, आपके पास 4, 5 के इन बिटवीन डबल बॉन्ड आ गया, एंड दोनों उसके बाद आपका 1 और 6 का बॉन्ड बन गया, बट यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग भी आ गई विद इन फ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या कराया है, कॉन रोटेशन कराया है, सो 1 और 6 पे आपके पास जो एचेस की फ्यूजन रहेगी दैट विल बी बेसिकली ट्रांस। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी स्मॉल रिंग स्टूडेंट फ्यूजन में हो ना, तो वहाँ पे जो सिस फ्यूजन होती है एट द जंक्शन वो स्टेबल होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मेंबर है, अब 3 मेंबर के साथ फ्यूजन में ऑल दो 6 मेंबर है बट यहाँ पे एक स्मॉल रिंग तो है ना 3 मेंबर, तो ये वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड होगा, सो दैट्स में हमने ये नहीं करवाया, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको फोटोकेमिकल कंडीशन लिखी हुई है तो आप क्या करवाओगे, ये कराओगे वाया 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्टोरेशन। अब उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, और कुछ सिस्टम्स में भी देख लेते हैं जिस केस में हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग करवा सकते हैं, फिर उसमें इसको भी देखेंगे। अब इसमें देखो क्या है हमारे पास, ब्यूटाइल लिथियम है, सो ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा स्टूडेंट्स, डीप्रोटोनेट करेगा, लिथिएशन करेगा, तो यहाँ पे एनायन कहाँ पे जनरेट कर सकता है वो। अब यहाँ पे अगर वो एनायन जनरेट करेगा वहाँ पे भी कर सकता है, दोनों पोजीशंस
आइडेंटिकल ही है, आप कहीं से भी करवा सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं करवा दूँ डी प्रोटोनेशन तो आपके पास क्या आएगा, लाइक दिस, है ना। यहाँ पे आपने एन आयन जनरेट कर दिया, आपके पास ये वाला सिस्टम आ गया। अब ये वाला सिस्टम आपका आया एट -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर ध्यान से सुनना, अगर हम इसको डे लाइट में रखें ना, बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में रखें, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या हो सकता है, यहाँ पे अंडर एच न्यू आपके पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस आपके पास क्या होगी, आपके पास कॉन्ड रोटेशन होगी। तो कॉन्ड रोटेशन में आपके पास ये वाले जो एचेज हैं इनकी आपने स्टीरियो देखनी होती है, ये वाले एचेज क्या आएंगे, एक दूसरे के आउटवर्ड हैं, दोनों एक दूसरे के ट्रांस आएंगे। तो ट्रांस का मतलब है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर कर लो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 1 एंड 5 के इन बिटवीन 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बेसिकली ये वाली चीज़ आएगी, स्मॉल रिंग्स की फ्यूजन है। और इस केस में आपके पास 1 एंड 5 में क्या होगा, सबसे पहले मैं साइक्लाइजेशन करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे होगी साइक्लाइजेशन, ठीक है। साइक्लाइजेशन ऐसे होगी ना, तो 4 पे आपका एनायन जनरेट होगा, इट इज़ लाइक दिस, क्योंकि एनायन इन्वॉल्व था तो एनायन ही जनरेट होगा ना एट द एंड, जब मैंने यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे किया, तो यहाँ पे आपके 4th पोजीशन पे एनायन जनरेट हुआ, 1 और 5 का सिग्मा बॉन्ड बन गया, राइट। और क्या हुआ, 2 और 3 में आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, और 1, 5 में आपके पास फ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांस फ्यूजन है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेंड हो गया ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि तो अभी मैंने आपको बताया आपको सिस फ्यूजन लेनी है। सो दैट्स वाई, अब ध्यान से सुनना, देखो डे लाइट में मीन्स कि सन की प्रेजेंस में एट दिस टेम्परेचर ये वाला जो कंपाउंड हमने जनरेट किया है वाया यूजिंग एन ब्यूटाइल लिथियम, उस केस में ये वाला कंपाउंड स्टेबल रहता है, एज इट इज स्टेबल रहता है, लाइट इसको इफेक्ट नहीं कर पाती। बिकॉज अगर लाइट होगी, मतलब अगर इसको आप लाइट में रखोगे भी, तो लाइट में रखने के बाद भी आपके पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कंपाउंड आएगा, तो वो उसमें जाना नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो अब उसमें लिखा है सेकेंड स्टेप में आपने हीट देखा होगा, ठीक है, आपके पास ये वाला सिस्टम है। अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, हीट किया, -78 पे था उसको आपने हीट कर दिया। सो हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रोटेशन होगी ऑन हीटिंग। सो उससे क्या होगा, दोनों ग्रुप्स आउटवर्ड थे, आउटवर्ड एचेस क्या चले जाएंगे, एक दूसरे के सिस चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपने जो बनाया है सेम चीज़, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ऐसे, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सिस चले गए, आपके पास ये वाली चीज़ मिल गई। नाउ ये वाला कंपाउंड स्टेबल नहीं है ऑन हीटिंग, बट ये वाला कंपाउंड स्टेबल था ऑन एक्सपोजर टू लाइट एज वेल, ठीक है। एट -78 डिग्री सेल्सियस अगर आप इसको लाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज करते हो ना, स्टिल ये कंपाउंड स्टेबल रहता है। अब ये वाला क्या है, स्टेबल, सिस जंक्शन मिल गया आपको, सिस फ्यूजन मिल गई ना, सो ये आपने बना दिया, ठीक है। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट ऑन हीटिंग। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे H+ ले लें तो उसको प्रोटोनेट कर देंगे, एनायन को प्रोटोनेट कर देंगे, सो वी गेट दिस थिंग, तो आपको पास ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखो आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको लिया है, मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ। अब ये थोड़ा अलग टाइप का सिस्टम है, ठीक है, ये वाला आपको पूछ सकते हैं गेट में, स्पेशली जैम में बहुत कम चांसेस हैं। तो जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो ये वाला ना रिंग ओपन कर सकता है ना, रिंग ओपन कैसे होगी, देखो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो व्हाट आई सॉ कि क्या बन सकता है यहाँ पे, उधर ही दिखा देते हैं, जब इसकी रिंग ओपनिंग होगी तो क्या बन सकता है, यहाँ पर दिखा देते हैं, इस पर प्लस, तो ध्यान से देखना है इसको,
अब यहाँ पे स्टीरियो कैसे देखनी है, जैसे आप स्टीरियो देखते थे ना इनके अबाउट, ठीक है, उसी तरह आप स्टीरियो देखोगे इनके अबाउट। यहाँ पे एच होगी ना, इनके अबाउट देखोगे। अब हमने स्टीरियो देखनी है, तो अब सबसे पहले आप क्या देखोगे, मैंने आपको बताया था कि जो ओपन फॉर्म होती है ना उसमें आप देखो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसी में पता लगेगा। यहाँ से जब यहाँ पे गए हमने क्या कराई, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग कराई है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इसमें, देखो यहाँ पे एन आयन है, तो जब ये दोबारा से क्लोजिंग करेगा तो क्लोजिंग में देखो आप देख सकते हो दो तो एन आयन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दो इस डबल बॉन्ड के हो गए, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। सो फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अंडर थर्मल कंडीशंस हम करा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगी, कॉन रोटेशन मिलेगी, ठीक है, आपको क्या मिलेगी, कॉन रोटेशन मिलेगी। अब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, ठीक है, अब आपने देखनी है कि इन दो की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे रहेगी। देखो अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, दोनों आउटवर्ड दिखाए हैं ना, सिमिलरली मैं दोनों इनवर्ट भी दिखा सकता हूँ, तो दोनों आउटवर्ड रहेंगे, दोनों इनवर्ट रहेंगे, अंडर कॉन रोटेशन दोनों क्या चले जाएंगे, एक दूसरे के ट्रांस चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, पर दोनों यहाँ पे एक दूसरे के सिस हैं, तो वहाँ पे स्टीरियो क्या होगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मीन्स के वहाँ पे कॉन रोटेशन है, तो कॉन रोटेशन के बाद तो इनको तो ट्रांस आना चाहिए था ना, बिकॉज हमने बात करी बोथ आर आउटवर्ड, तो बोथ आर आउटवर्ड मीन्स के अगर हम कॉन रोटेशन करेंगे तो दोनों ट्रांस आ जाने चाहिए, बट रिंग क्लोजिंग उल्टा देख रहा हूँ, रिंग क्लोजिंग में वो आपस में क्या जा रहे हैं, सिस जा रहे हैं। सो व्हाट डज दैट मीन, कि ये आउटवर्ड इनवर्ड है, क्या है, बोथ आउटवर्ड या बोथ इनवर्ड नहीं है, आउटवर्ड इनवर्ड है, तो वहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये वाली चीज़ आएगी ऑन रिंग ओपनिंग, और इसी की अगर आप रिंग क्लोजिंग कराओगे तो आपके पास वो वाली चीज़ आएगी, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी। अब इसको ना कपल भी कर सकते हैं आगे डी ज़ेल्डर रिएक्शन में, बिकॉज ये 1,3 डायपोलर स्पीशीज़ है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा 1,3 डायपोलर में, बट देखो आपको पता लग गया ना, आपके पास ये वाली क्या थी, ये आपके पास ओपन फॉर्म है, ओपन फॉर्म को अगर आप साइक्लाइज करोगे, यहाँ पे आउटवर्ड और इनवर्ड ग्रुप्स हैं, रोटेशन हमारी कॉन रोटेशन है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन्वॉल्व है अंडर थर्मल कंडीशंस, कॉन रोटेशन है, तो इस केस में आपके पास दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के सिस आएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ऑफ रेट कंपेरिजन, ठीक है, सॉल्वोलिसिस के, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, नेट में तो ये पूछा गया है, गेट में भी पूछा जा सकता है, जैम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ गेट स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ना एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास, देखो स्टूडेंट्स, आपके पास अगर ऐसा सिस्टम है ना अलाइल वाला, जैसे हमने बात तो कर ली, हमने 4 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 8 पाई इलेक्ट्रॉन आगे भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, आप यहाँ पे भी क्या करा सकते हो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग करा सकते हो, यहाँ अगर पीछे जाओगे तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करा सकते हो, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास ये चीज़ मिलेगी। तो इसको आपको ना समझना है कि ये भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक ही है ना, किसका, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, ठीक है। सो अगर मैं थर्मल कंडीशंस में ये कराऊंगा तो 4n+2 वाला सिस्टम है, तो ये डिसरोटेशन देगा, राइट, ये क्या देगा, डिसरोटेशन देगा। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हम सॉल्वोलिसिस का रेट कंपेयर कर रहे हैं, तो सॉल्वोलिसिस का रेट मतलब वही, देखो यहाँ पे ओटोसाइल है, तो यहाँ पे बेसिकली डेल्टा प्लस है, बिकॉज वो लिविंग ग्रुप है। अब हमने बात करी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सो अंडर थर्मल कंडीशंस हमारे पास क्या होगी, डिसरोटेशन होगी। सो डिसरोटेशन मींस कि आइदर दोनों ग्रुप्स इनवर्ड जाएंगे या दोनों ग्रुप्स क्या जाएंगे, आउटवर्ड जाएंगे। दोनों ग्रुप्स इनवर्ड आउटवर्ड का क्या मेरा मतलब है, देखो हमने कराया गया है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये वाला ओटोसाइल लीव करा देंगे। सो हमने क्या कराई है, यहाँ पे रिंग ओपनिंग कराई है, क्या कराई, रिंग ओपनिंग कराई। जब हम इसकी रिंग ओपनिंग कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कैटायन आ गया, लाइक दिस, एलाइल सिस्टम ना,
थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। देखो जैसे 1, 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 में क्या आ गया अपने पास, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे हमारे पास केटाइन है और यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स होंगे। सो व्हाट यू आर गेटिंग, बेसिकली यू आर गेटिंग एन एलाइल केटाइन। उसके ऊपर क्या है, ग्रुप्स हैं। अब दोनों ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, दोनों ग्रुप्स इनवर्ड आ सकते हैं या आउटवर्ड आ सकते हैं, सेम 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 जैसे हमने किया ना। अब देखो यहाँ पे अगर दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, वहाँ से समझते हैं। हमने यहाँ पे कराई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, हमारे पास एलाइल केटाइन आया। वो हमारे पास क्या आया, बेसिकली 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हम 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिसरोटेशन होगी। सो डिसरोटेशन में क्या होगा, आइदर ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के डिस आ सकते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे के दूर जा सकते हैं। आपको ये समझना है, जब वो डिसरोटेशन होगी ना, तो डिसरोटेशन हम कैसे दिखाते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना, हमने उसको ब्रेक किया है, हम उसकी डिसरोटेशन और वो दिखा रहे हैं। उस हिसाब से जो मिथाइल है वो भी मूव करेंगे। तब यहाँ पे देखो, आइदर दे कैन मूव इन, आइदर दे कैन मूव आउट, बिकॉज इस सिस्टम में डिसरोटेशन पॉसिबल है, ओनली डिसरोटेशन। अब देखो अगर ये दोनों मूव आउट करेंगे, तो यहाँ पे तो ऑटोसाइल है, तो ऑटोसाइल क्या करेगा, उनसे स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा। सो दीज टू मिथाइल ग्रुप्स दे आर फोर्स्ड, ध्यान से सुनना, दोनों मिथाइल ग्रुप्स ना फोर्स्ड हैं टू मूव इनवर्ड। देखो मोशन दोनों पॉसिबल है क्योंकि डिसरोटेशन है रिंग ओपनिंग पे, ठीक है, बट वो दोनों में था इसके हैं, दे आर फोर्स टू कम इनवर्ड, रीजन टू अवॉइड द स्टेरिक इन्फ्लुएंस विद द ऑटोसाइल। सो यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोथ मिथाइल्स दे विल मूव इनवर्ड, वेल यहाँ पे तो चॉइस है, तो दोनों मिथाइल्स क्या करेंगे, दोनों बाहर भी जा सकते हैं, दोनों अंदर भी जा सकते हैं, बट ये दोनों जाएंगे बाहर। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो अब यहाँ पे हमने एलाइल सिस्टम बना दिया, मैं इसका बनाता हूँ, देखो थोड़ा सही से बनाते हैं। अब मैंने बोला कि दोनों इनवर्ड गए, सो दोनों इनवर्ड जाने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये डिलोकलाइज होगा। अब दोनों मिथाइल ग्रुप्स आ गए अंदर को, सो अंदर को मीन्स लाइक दिस। सो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हो गए इनवर्ड। अब ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप उल्टा जाओगे तो दोनों मिथाइल ग्रुप्स इनवर्ड हैं डिसरोटेशन के बाद, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिस हो जाएंगे, इनवर्ड है या आउटवर्ड है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सिस हैं, दोनों में देखो दोनों मिथाइल ग्रुप्स एक दूसरे के सिस ही हैं, तो मैं उस तरह दिखा रहा हूँ आपको। तब देखो यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप्स क्या आ गए, अंदर को आ गए, वाइल उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में अंदर भी आ सकते हैं बाहर भी आ सकते हैं, बट वो क्या बनेंगे, वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे। रीजन देखो, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, इसको हम बोलेंगे यू शेप्ड कार्बोकेटाइन, एंड दिस यू शेप कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल। रीजन आप देख ही सकते हो, इन दो मिथाइल ग्रुप्स के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। अब दोनों मिथाइल ग्रुप्स फोर्स्ड थे क्योंकि सबस्ट्रेट को आपने देखना है, दोनों मिथाइल ग्रुप्स दे वर फोर्स्ड टू कम इनवर्ड, जिस कारण आपके पास एक यू शेप्ड कार्बोकेटाइन बना है जो लेस स्टेबल है। सो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है मीन्स कि उनका जो सॉल्वोलिसिस का रेट होगा वो कम होगा, बिकॉज हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं ना सॉल्वोलिसिस में, तो लेस स्टेबल बना है तो इसका जो रेट है वो कम है। वाइल उस केस में क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया इट हैज़ अ चॉइस, इट कैन मूव आउटवर्ड, इट कैन मूव इनवर्ड, बट वो किसकी तरफ जाएगा, आउटवर्ड की तरफ। क्यों, क्योंकि उस केस में जब हम बनाएंगे एलिलिक कार्बोकेटाइन, तो उस केस में देखो दोनों अगर आउटवर्ड गए तो ऐसे आउटवर्ड चले गए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गया, डब्ल्यू शेप्ड कार्बोकेटाइन। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, सो दैट्स व्हाई जो बेटर सॉल्वोलिसिस, हायर सॉल्वोलिसिस का रेट इसका होगा, वो आपको दिख रहा है क्यों। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ, उल्टा हो गया, इसका जो रेट है वो ज़्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू दैट, जिसमें ऑटोसाइल ऊपर को है, उल्टा हो गया। उल्टा क्यों हो गया, बिकॉज इसमें जो कार्बोकेटाइन्स बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी रिवर्स हो गई। क्यों रिवर्स होगी, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ऐसे करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहले आपको बनाना भी तो आना चाहिए ना कार्बोकेटाइन कैसे बनाओगे। आप क्या कराओगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग कराओगे लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑटोसाइल के कारण दोनों ग्रुप्स आर फोर्स टू मूव इनवर्ड, तो दोनों ग्रुप्स मूव करेंगे इनवर्ड, कौन से, 1 एंड 4। तो जब ये दोनों अंदर को मूव करेंगे तो आपके पास बनेगा क्या, देखो आपने 1, 3 बॉन्ड ब्रेक कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो आपके पास क्या बन गई, एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई।
और उसमें आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे ये यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव किया, ठीक है, तो 2 और 3 में डबल बॉन्ड आ गया और हमारे पास 1 पे क्या आ गया, केटाइन आ गया। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं इन द डीलोकलाइज फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली केटाइन हो गया। नाउ इट्स बेसिकली ए यू शेप्ड केटाइन। आप देख सकते हो यू शेप्ड क्यों है, बिकॉज 1 एंड 4 दोनों अंदर को हैं, तो इट्स बेसिकली ए यू शेप्ड केटाइन। सो दिस यू शेप्ड केटाइन इज स्टेबल। उल्टा हो गया यहाँ पे, स्टेबल क्यों है, बिकॉज स्टूडेंट्स रिंग में ये ट्रांस नहीं जा सकते ना, खासकर छोटी रिंग में वो ट्रांस जा ही नहीं सकते। छोटी रिंग में तो दोनों अंदर को ही मूव करेंगे, तभी तो रिंग बनेगी ना 6 मेंबर। तो ये वाला स्टेबल हो गया। अब उसका उल्टा है, उस केस में क्या है, इट कैन फोर्स। अब इस केस में क्या है, ये बाहर को जब मूव करेगा, तो बाहर को मूव करने के बाद अब यहाँ पे जो हम बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, ट्रांस वाला, जो ट्रांस वाला जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका है, इसका जो यू शेप्ड कार्बोकेटाइन है। सो हमारे पास इसका रेट ज़्यादा आएगा सॉल्वोलिसिस का। यहाँ पे उल्टा हो गया, रीज़न क्या हो गया कि डब्ल्यू शेप्ड और जो यू शेप्ड आपने कार्बोकेटाइन्स बनाए हैं, यहाँ पे साइकिल के अंदर आने के कारण, रिंग के अंदर आने के कारण उनकी जो स्टेबिलिटी है वो रिवर्स हो गई, राइट, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो रिवर्स हो गई। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो द मेजर प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज इलेक्ट्रोसाइक्लिक से ज़्यादा टफ आता नहीं है। अब इसमें देखो आपको थर्मल कंडीशंस दी हुई हैं, और मैंने टाइम इसीलिए लगाया बिकॉज जैम स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब देखो आपने 100 मतलब आपने थर्मल कंडीशंस यूज़ करी हैं। अब थर्मल कंडीशंस में क्या होगा, देखो आपके पास ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं, आउटवर्ड है, मैं दोनों ट्रिक से बता देता हूँ। आउटवर्ड टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6। अब आप कहोगे यहाँ पे आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की भी तो करा सकते हो, उसका ऑप्शन भी है देखो यहाँ पे और यहाँ पे। पर मैंने आपको भी बताया इस केस में रिंग ओपनिंग फेवर्ड होती है, बिकॉज जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन इनमें ज़्यादा है, तो ये बनेंगे नहीं, उल्टा होगा, फेवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कराओगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग कराओगे। सो दैट अंडर थर्मल कंडीशंस वी नो इट इज डिसरोटेशन। तो जब आप इसकी डिसरोटेशन कराओगे तो आउटवर्ड ग्रुप्स हैं ना दोनों, सो आउटवर्ड मिथाइल्स हैं, तो दोनों की अगर आपने डिसरोटेशन कराई, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, दोनों एक दूसरे के सिस मिलेंगे, सिस फ्यूजन। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी सी। अब आउटवर्ड इनवर्ड के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको कराया था। ये यहाँ पे क्या है, ई है, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये ई है ना, और यहाँ पे ये इसके विद रिस्पेक्ट टू ई है। सो ई एन ई इज बेसिकली इक्वलेंट टू जेड ट्रिक, एंड कॉन रोटेशन में आप चेंज नहीं करोगे, सो इट रिमेन जेड ओनली, आप चेंज नहीं करोगे, नो चेंज। तो आपके पास इस केस में जो आंसर आएगा दैट विल बी सी, राइट। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास डील जेल्डर रिएक्शन है। अब डील जेल्डर आपको पता है इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ O+2 साइक्लोएडिशन। अब ये रिएक्शन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैम के लिए और गेट के लिए। जैम में तो साइक्लोएडिशन का मतलब ये है कि डील जेल्डर साइक्लोएडिशन, बट गेट में हमारे पास 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन और 2+2 साइक्लोएडिशन भी हैं, ठीक है, फोटोकेमिकल एंड इवन कीटिन की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आपको पता है जो डील जेल्डर है, अब सबसे पहले हमारे पास एक डाइन यूनिट है, एक डाइनोफाइल यूनिट है, ठीक है। इन दोनों में रिएक्शन होगा, इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो बेसिक स्कीम होगी। अब ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक कंसर्टेड मैनर में होता है, कंसर्टेड मैनर, और इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, अगर मैं बनाऊं, ठीक है, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट इज बेसिकली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। एक तो हम इसका एमओ डिस्क्रिप्शन समझेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल वाइज क्या इंट्रैक्शन हो रही है। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे इंट्रैक्शन सबसे पहले देखते हैं, इंट्रैक्शन क्या है। देखो अब अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड की बात करें ना, तो हमारे पास क्या है, होमो ऑफ डाइन है, तभी मैंने एरो दिखाए हैं ऐसे यहाँ से। तो होमो ऑफ डाइन क्या कर रही है, इंट्रैक्ट कर रही है विद द लूमो ऑफ डाइनोफाइल, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इसको, ये हमारे पास टोटल, ये हमारे पास क्या होती है, इट्स बेसिकली कॉल्ड नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड। तो हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी, अगर आपको ये चीज़ पता है। अब होमो ऑफ डाइन की अगर बात करें ना, आपको पता है डाइन हमारे पास क्या है, 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इस केस में। तो 4 pi इलेक्ट्रॉन्स में मैंने आपको बताया था हमारे पास साइड टू, बिकॉज ये जो रिएक्शन है यहाँ पे अंडर हीटिंग कंडीशंस होती है। फोटोकेमिकल डीजल्ड साइक्लोडिशन इज नॉट अलाउड, ओनली थर्मल इज अलाउड, वो मैं आपको भी बताऊँगा। अब यहाँ पे देखो इसका साइड टू इन्वॉल्व है, ठीक है। साइड टू क्या हो गया इसका, होमो, और वहाँ पे एल्कीन है, तो एल्कीन का भी साइड टू इस केस में हम स्टार डालेंगे उसका लूमो दिखाने के लिए, ठीक है, वो भी आपको मैं एमओ में दिखाऊंगा। तो ये वाली इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो वट आर द वेज टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी, है ना, बिकॉज जो मैंने ऊपर अभी रिएक्शन दिखाई ना वो नहीं होती। रिएक्शन रिएक्टिविटी इंक्रीज करने के क्या क्या वेज हैं, हम वो देखते हैं। अब सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, होमो की एनर्जी रेज करनी, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या होता है, जो होमो है ना इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, होमो यहाँ होता है, लूमो हायर इन एनर्जी होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ बेसिकली लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनऑक्यूपाइड है तो हायर इन एनर्जी, और यहाँ पे होमो है। तो आप क्या कर सकते हो, आइधर आप होमो की एनर्जी रेज कर सकते हो, आइधर आप लूमो की ड्रॉप कर सकते हो, या दोनों आप कर सकते हो। तो होमो की एनर्जी रेज करने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालना, सो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे ना ऑन डाइंग, वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। और लूमो की एनर्जी कैसे कम करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, अगर वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे ना तो लूमो की एनर्जी डाउन जाएगी, बिकॉज देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जहाँ जाने हैं, तो यहाँ पे अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेंगे। लेने का मतलब यही है कि एमओ डिस्क्रिप्शन में कि लूमो की एनर्जी डाउन होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होन ऑन डाइन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हों ऑन द डाइनोफाइल, ठीक है, ये वाली चीज़। एक तो ये चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो मैंने डाइन दिखाई है ना, डाइन हैज़ टू बी इन द सिसॉइड और एस सिस कन्फर्मेशन। तो एस सिस कन्फर्मेशन हम कैसे करेंगे, उसका हम क्वेश्चन भी करेंगे, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो डीजल्डर में ना हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ फॉलोइंग डाइन्स दैट अंडरगो डीजल्डर रिएक्शन विद मिथाइल एक्रिलेट, ठीक है। तो हमें जो डाइनोफाइल दिया हुआ है दैट इज बेसिकली मिथाइल एक्रिलेट, ओके, और हमें डाइन्स पूछ रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि डाइन्स के केस में आपको कैसी डाइन चाहिए, सिसॉइड कन्फर्मेशन में डाइन चाहिए। अगर वो ट्रांसॉइड मैनर में है तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, राइट। तो यहाँ पे पूछा है कौन से रिएक्ट करेंगे, तो हमने डाइन्स में वही देखना है। तो देखो ये वाला अपने पास फ्यूरेन है, ठीक है, अब ये अपने पास 5 मेंबर है, यहाँ पे देखो सिसॉइड कन्फर्मेशन लॉक्ड है, और आपको पता होना चाहिए दैट केस ऑफ फ्यूरान आपके पास क्या होता है, डाइन करेक्टर होता है, ठीक है। डाइन करेक्टर मीन्स कि यहाँ पे एरोमेटिक करेक्टर स्लाइटली लेस होता है, तो डाइन करेक्टर ज़्यादा है, तो दिस विल बिहेव एज अ डाइन, ठीक है, और ये सिसॉइड में लॉक्ड है बिकॉज ये रिंग के अंदर कंस्ट्रेंड है। सेम गोज फॉर हेयर, जो अपने पास सी पी है, साइक्लोपेंटाडाइन, तो दोनों डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। अब इस केस में देखो कि आपके पास रिंग तो है, पर उस कारण कंस्ट्रेन क्या हो गया, वो ट्रांसवर्ड मैनर में कंस्ट्रेन हो गया, तो ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा। रीज़न, ये वाला अपने पास क्या है, ट्रांस है, ये ट्रांसवर्ड है, एस ट्रांस। ये वाला क्या है, एस सिसॉइड है, देखो ये इस तरह है ना एक तरफ, तो ये अपने पास एस सिसॉइड है, तो ये वाला रिएक्ट करेगा डेफिनेटली। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला अपने पास क्या है, ट्रांसॉइड है, ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा। इसको मैं देखता हूँ, अब इसमें देखो इसमें भी क्या है स्टूडेंट्स, इसके बाद लॉक्ड है, लॉक्ड इन सिसॉइड, बट हमारे पास थोड़ा साइक्लिक फॉर्म है ना, जो 7 मेंबर्ड है इस केस में, तो 7 मेंबर्ड होने के कारण यहाँ पे क्या है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो ट्रांसॉइड जा सकता है, ठीक है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स किस में रहेंगे, सिसॉइड फॉर्म में रहेंगे, तो सिसॉइड फॉर्म में रहेंगे तो ये रिएक्ट करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो आपके पास 1, 2, 3, 4 अभी 4 मॉलिक्यूल्स आए जो रिएक्ट करेंगे इनमें से, राइट। अब इसको देखते हैं, अब इसमें हम कहेंगे, मैंने अभी आपको पहले भी कराया है, दैट आप कहोगे कि इस केस में रिएक्शन तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे 1, 2, 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसके कारण वो क्या प्रेफर करेंगे, ट्रांसॉइड
प्रेफर करेंगे, राइट? आप सही बोल रहे हो, ट्रांसवाइड तो वो प्रेफर करेंगे, ठीक है, बट स्टिल कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सिसॉइड में होंगे ना, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होंगे सिसॉइड में। ऑल दो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, आई एग्री इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, बट अगर आप बहुत अच्छा डाइनोफाइल ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैलिक एनहाइड्राइड ले लो, तब तो ये रिएक्ट कर ही जाएगा ना। आपकी जो डाइन है वो एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव होगी, ठीक है, बिकॉज मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर्ड मैनर में है। बट स्टिल अगर आप डाइनोफाइल बहुत अच्छा ले सकते हो, रिएक्शन तो हो जाएगा ना, यील्ड कम आएगी बट रिएक्शन तो अंडरगो कर ही जाएगा। ये लॉक्ड तो नहीं है ना, एटलीस्ट लॉक्ड नहीं है, लॉक्ड मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, सो इसलिए ये भी करेगा। सो आपके पास जो टोटल नंबर आएगा स्टूडेंट, दैट विल बी 5। सो यहाँ पे आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि एमओ डिस्क्रिप्शन, अब एमओ डिस्क्रिप्शन में क्या बताया मैंने कि अगर होमो है किसका, डाइन का, वो इंट्रैक्ट कर रहा है विद द लूमो ऑफ डाइनोफाइल, ओके, लूमो ऑफ डाइनोफाइल और दी एल्कीन। अब इसमें आप देख सकते हो कि मैंने इसका बनाया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, साइक्लो पेंटाडाइन में आपके पास वैसा ही सिस्टम बनेगा, आपके पास जो साइड टू है, थर्मल कंडीशंस में मैंने अभी बोला इट इज़ अलाउड, ठीक है। सो साइड टू हम कैसे बनाएंगे, देखो इसका एन, इसका टू है तो एन माइनस वन करेंगे तो आपके पास वन, तो एक सिंगल नोड आएगी इसमें, तो सिंगल नोड आपको कैसे दिख रही है, ये वाली सिंगल नोड है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका जो लूमो है, उसका लूमो तो सिंपल ही है ना, एल्कीन का, एल्कीन का लूमो क्या है बेसिकली, एल्कीन में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आएंगे इससे, ठीक है। इसको बोलेंगे साई टू स्टार, इसको बोलेंगे साई वन, और जो साई टू स्टार होगी उसमें आपके पास एक नोड आएगी बीच में, तो एक नोड मतलब ये दोनों ऑपोजिट फेस के होंगे, ये दोनों सेम फेस के होंगे, तो स्टार्टिंग एम होगी, तो ये वाली चीज़ होगी। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट रहता है कि आपका जो डाइन है वो डाइनोफाइल के ऊपर से आ सकते हैं या नीचे से आ सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने ये ग्रुप दिखाया हुआ है, इट इज़ बेसिकली आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विद द अनसेचुरेशन। अब इसको आप देख सकते हो कि मैंने अंदर को दिखाया है, ठीक है, उससे हम कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, एंडो प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आपको इंट्रैक्शन कैसे देखनी है, जैम स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करने के लिए। तो देखो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, सेम फेज है, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों के सेम फेज, बेसिकली दोनों के बिलो ऑर्बिटल्स ही एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सुपराफेशियल ओवरलैप, ठीक है। ऐसे नहीं हो रहा, देखो ये वाला इस लोब से के साथ इंट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऑल दो अभी देखो अभी तो हमारे पास फेस भी डिफरेंट है ना, बट अगर से इन केस यहाँ पे उल्टा होता तब भी वो उसके साथ इंट्रैक्ट नहीं कर पाता, तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि फोटोकेमिकल में क्या होगा, फोटोकेमिकल में हमने बात करी हुई है, फोटोकेमिकल में क्या होगा कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के सेम के आ जाएंगे, तो उस केस में दोनों ओवरलैप नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज उनको फेस ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसकी ऊपर वाली लोब इसकी नीचे वाली लोब के साथ इंट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये सेम मतलब अगर उसकी नीचे वाली लोब है वो उसकी ऊपर वाली लोब के साथ इंट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि वो ऊपर से आएगी ना, सो इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरा फेशियल ओवरलैप। तो स्टूडेंट्स इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली 4 पाई सिस्टम है, 2 पाई सिस्टम है, और दोनों सुपराफिशियली एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं अंडर थर्मल कंडीशन, एंड दैट इज़ अलाउड अंडर थर्मल कंडीशंस, ठीक है। तो ये चीज़ है। फोटोकेमिकल में क्या होगा, फोटोकेमिकल में वो सुपरा वाली अलाउड नहीं होगी, फोटोकेमिकल में सुपरा वाली अलाउड नहीं होगी। फोटोकेमिकल में हम एंटाराफिशियल कर सकते हैं बट वो पॉसिबल नहीं है, रीज़न ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स के कारण, ज्योमेट्री वैसी है कि वो ऊपर से ही आ पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी कि जो मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाया ना, वो अंदर को दिखाया, बेसिकली मैंने क्या दिखाया, वो इनसाइड, क्योंकि जब ये ओवरलैप होगा तो ओवरलैप कैसे होगा, देखो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा,
इसको थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, डेवलपिंग डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो उसकी जो लोब्स है ना वो किसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, इसके साथ, ये डबल बॉन्ड ओ उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो जब वो उन डबल बॉन्ड ओ के साथ इंटरेक्ट करती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंटरेक्शंस बोलते हैं। और उन्हीं सेकेंडरी इंटरेक्शन से आपका जो मेजर प्रोडक्ट आता है, दैट इज़ बेसिकली द एंडो प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका एंडो प्रोडक्ट है ना वो आपका काइनेटिक प्रोडक्ट है। काइनेटिक क्यों बोल रहे हैं हम इसको, सबसे पहले अगर हम इसकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपके पास डाइन है, आपके पास डाइनोफाइल है, ये चीज़ होगी है ना। अब खुद बताओ, यहाँ पे आपके पास टोटल कितने पाई बॉन्ड्स थे, आपके पास टोटल 3 पाई बॉन्ड्स दोनों कंपोनेंट मिला के, यहाँ पे आपके पास कितना, 1 पाई बॉन्ड है, बट आपके पास यहाँ पे 2 नए सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। नाउ वी नो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, सो ये वाला जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ना, तो ये रहता है एक्सोथर्मिक, ये बनाई मैंने इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, सिंगल स्टेप में आपका रिएक्शन हुआ कंसर्टेड मैनर में। तो ये आप सबसे पहले तो दिखाओ इसको एक्सोथर्मिक, बेसिकली जो इसकी डेल्टा एच है वो क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव। ठीक है, इसकी जो आपके पास डेल्टा एस होगी ना, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एस किसकी, ट्रांजिशन स्टेट, बेसिकली उसको बोलते हैं ट्रॉपी ऑफ एक्टिवेशन, हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो, तो वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। रीजन, दो मिलके एक ऐसी वाली ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं ना, साइक्लिक, बेसिकली दोनों मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, तो एंट्रोपी कम हो रही है, तो वो चीज़, तो ये दो चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट डायग्राम में पता होनी चाहिए। और ये ऐसे हो रहा है, तो काइनेटिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है, देखो ट्रांजिशन स्टेट को वो मैंने ट्रांजिशन स्टेट की तरह दिखाया था, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रही है सेकेंडरी इंट्रैक्शन। तो कोई भी चीज़ जो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करती है ना, बेसिकली बैरियर कम कर देती है, ये जो बैरियर है ना, एक्टिवेशन बैरियर, वो रिड्यूस कर देती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन बैरियर EA1 था, यहाँ पे EA2 हो गया, सच दैट एक्टिवेशन बैरियर रिड्यूस हो गया, तो मैं कहूँगा रेट इन्हांसमेंट होगी, तो उस केस में रेट इन्हांसमेंट काइनेटिक प्रोडक्ट देगी। ठीक है, तो जो आपका एक्सो वाला होता है दैट इज थर्मोडाइनमिक, एंडो वाला आपका काइनेटिक प्रोडक्ट होता है। तो एक चीज़ मेरी याद रखना कि आप क्या बनाते हो, दिस समथिंग कॉल्ड द एंडो रूल। एंडो रूल हमें क्या कहता है कि आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी एंडो। और मेजर प्रोडक्ट एंडो मतलब है जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दैट हैज़ टू बी सीन टू दी आउटसाइड ग्रुप। मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका, मतलब जैसे आपके पास ये डाइन है, ये आउटसाइड ग्रुप है, आपके पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अनसेचुरेशन के साथ, फॉर एग्जाम्पल साइनो हो गया, CHO हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच हो गया, ऐसे वाले ग्रुप्स हैं। तो क्या होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा मेजर वो क्या आएगा कि जो इसकी स्टीरियो है वही इसकी स्टीरियो बनेगी, दैट इज़ योर एंडो प्रोडक्ट। अब एंडो प्रोडक्ट आपने ऐसे भी सुना होगा कि अगर मैं इसमें एंडो प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ऊपर जो मैंने रिएक्शन दिखाया, तो उसमें आपके पास जो एंडो प्रोडक्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स, देखो ये वाला ग्रुप आपका इनसाइड है, आउटसाइड आपके पास H है, तो H के विद रिस्पेक्ट टू वो सिन रहेगा। कैसे, आप ऐसे जैसे बायसाइक्लिक एडक्ट बनाते हो ना इसका, ऐसे, तो बायसाइक्लिक एडक्ट में ये आपका जो ग्रुप है इनसाइड वाला वो इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या रहता है, देखो वही तो बोल रहा हूँ, इनसाइड ग्रुप ये है, इनसाइड ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या रहा है, एक दूसरे के एंटी रहा, सिन नहीं रहा ना, सो दैट्स वाई इसको आप क्या बोलते हो, एंडो प्रोडक्ट। और इसका एक्सो प्रोडक्ट क्या होगा, जिसमें क्योंकि ये बायसाइक्लिक कंपाउंड तो तभी बनेगा ना जब आपका ये वाला ब्रिज ऊपर जाएगा। अब इसमें जो एक्सो प्रोडक्ट है दैट इज दिस वन, बेसिकली दोनों ऊपर को हैं, अगर मैं दिखाऊँ सही से, ठीक है दोनों ऊपर को हैं,
तो ये वाला आपका प्रोडक्ट हो गया एक्सो. नाउ दिस प्रोडक्ट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट. एंड दिस वन इज योर काइनेटिक प्रोडक्ट. नॉर्मली आपको हमेशा एंडो प्रोडक्ट बनाना है. एक्सेप्शन मैं बता देता हूँ. एक्सेप्शन इसकी है जब आपके पास जो डाइन है ना, डाइन, वो आपके पास फ्यूरान है. क्योंकि फ्यूरान के केस में ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल. क्या होता है? रिवर्सिबल. सो जब भी हमारी डील डेल्टा रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, कोई भी रिएक्शन ले लो जो रिवर्सिबल होगी, वो किसको फेवर करती है? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट को ही फेवर करती है ना. हम शुरू से पढ़ते हैं काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक रूल. उसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस किसको फेवर करती हैं? थर्मोडायनेमिक्स से. तो इस केस में आपको एक्सो प्रोडक्ट बनाना है मेजर. बाकी सभी केसेस में आपको एंडो प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, एक और एक्सेप्शन होती है उस रूल की. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये है मिथाइल मिथिक रिलेट है, उस केस में भी आपके पास एक्सो बनाते हो आप प्रोडक्ट, वो भी एक्सेप्शन रहती है. तो ये तो डाइनोफाइल के कारण एक्सेप्शन होगी, वो डाइन के कारण एक्सेप्शन होगी. तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है. अब इसमें देखो, फॉर एग्जांपल, अब मैंने स्टीरियो सिलेक्टिविटी तो आपको बता दी, फिर हम दोनों चीज़ें इकट्ठे अप्लाई भी करेंगे. अब देखो, जैसे अब रेजियो सिलेक्टिविटी देखने के लिए क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, आपको होमो एंड लूमो का कोएफिशिएंट देखना है. क्या करना है आपको? होमो एंड लूमो का कोएफिशिएंट देखना है. मैंने आपको अभी बताया कि जो आपकी डीजल्डर रिएक्शन है वो होती है कंसर्टेड मैनर में, मीन्स के वहाँ पे चार्जेस नहीं होते. बट वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है. जैसे यहाँ पे देखो, आपके पास कोई मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास, यहाँ मतलब यहाँ ले लो, और यहाँ पे आपके पास कोई विड्रॉइंग ग्रुप है जो होना चाहिए. अब इस केस में क्या है आपके पास? रेजियो सिलेक्टिविटी है. कैसे? इस मिथाइल ग्रुप का क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा. तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का मतलब है कि लाइक दिस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ पे नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो नेगेटिव मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेल नेगेटिव मीन्स के वहाँ पे जो आपका होमो कोएफिशिएंट है वो ज़्यादा है. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो आपका जो लूमो कोएफिशिएंट है वो यहाँ ज़्यादा आएगा ना, बिकॉज इसकी जो दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म आएगी उसमें यहाँ पे प्लस आएगा. तो प्लस चार्ज जितना ज़्यादा मीन्स को उतना लूमो कोएफिशिएंट ज़्यादा. तो क्या होगा कि आपने इन दोनों को जोड़ना है. तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको रेजियो सिलेक्टिविटी मिल जाएगी लाइक दिस. तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको पैरा सिलेक्टिविटी मिल जाएगी. ठीक है, आपको क्या मिल जाएगी? पैरा सिलेक्टिविटी. तो आपको बस होमो और लूमो कोएफिशिएंट वाले को, दो सेंटर्स को आपको कंबाइन करना है. अब इसके बाद, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि दोनों चीज़ें लग रही हैं. ठीक है, और यही आपको पूछा भी जाएगा एग्जाम में, जहाँ पे आपके पास दोनों चीज़ें लग रही हूँ. अब इसमें आपको देखो क्या देखना है, आपके पास ये OME ग्रुप है, दैट इज़ बेसिकली आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया प्लस एम इफेक्ट. तो जब आप प्लस एम से इसकी जो रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओगे उस केस में आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे वो आएगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास मिथाइल भी है. अब ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, लाइक दिस आप वहाँ पे भी अगर उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे ना मिथाइल के साथ, तो आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा. सो मतलब यहाँ पे तो आपका जो होमो कोएफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी आपका लूमो कोएफिशिएंट ज़्यादा है जो मैंने आपको बताया था. तो आपको क्या करना है, इन दो एंड्स को आपने कंबाइन करना है. सो इन दो एंड्स को जब आप कंबाइन करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आएगी. अब इसमें देखो, आपके पास कौन सा वाला प्रोडक्ट आएगा, एक्सो आएगा इंडो आएगा, आपको वो चीज़ डिसाइड करनी है. आपको मैंने बताया आपके पास प्रोडक्ट क्या होता है मेजर, एंडो. ठीक है, तो एंडो प्रोडक्ट आपको किस तरह डिसाइड करना है, आपको यहाँ पे देखना है आपके पास कौन सा ग्रुप है. आपके पास मिथाइल ग्रुप है विच इज़ आउटसाइड, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिकली जब हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो वो अंदर की तरफ ओरिएंटेड होगा ताकि वो सेकेंडरी इंट्रैक्शन कर पाए
और ये आउटसाइड ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू सिन चला जाएगा। तो सिन आप कैसे बना सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसे प्लस ऐसे। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपके क्या हैं, सिन प्रोडक्ट्स हैं और एंडो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों आपके काइनेटिक हैं। अब दोनों आपस में रिलेशनशिप क्या है, दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं, राइट। एंडो डायस्टीरियोमर के ये दो एनेंशियोमर्स हैं, है ना, एंडो डायस्टीरियोमर के ये दो एनेंशियोमर्स हैं। ये बनेंगे कैसे, कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया कि एक जब ऊपर आई डाइन और एक जब डाइन नीचे से आई तो उसमें क्या बनेंगे, एनेंशियोमर्स बनेंगे। बट डायस्टीरियोमर एंडो के दो एनेंशियोमर्स बनेंगे, ठीक है। सो ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज बेसिकली डायस्टीरियो सिलेक्टिव, ध्यान याद रखना। अभी हम एनेंशियो सिलेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, एनेंशियो सिलेक्टिव में मतलब अगर हमने इन दो में डिस्टिंग्विश करना हो, हमें एक ज़्यादा बनाना है, एक एनेंशियोमर ज़्यादा बनाना है, तो वो हमारे पास एनेंशियो सिलेक्टिव डिसऑर्डर होगा, ठीक है। वो हम एसिमेट्रिक कैटालिसिस में पढ़ते हैं, तो ये वाली चीज़ होगी, आप इसको एक बार देख लो। तो आपने देख लिया होगा कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो हमने ये दो बनाए हैं, ठीक है। बेसिकली दोनों एंडो डायस्टीरियोमर के दोनों एनेंशियोमर्स हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। सो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन क्या है, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू इंट्रा मॉलिकुलर डिसऑर्डर रिएक्शन, है ना। ये भी आपसे पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको डाइन और डाइनोफाई आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ये वाली तो ऑब्वियसली ये डाइन यूनिट है, और ये वाला आपके पास क्या है, डाइनोफाइल यूनिट है, जिसके पास यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये डेफिनेटली होगा। और यहाँ पे जो जो मिथाइल है दैट इज़ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आपने सही तरीके से ओरिएंट करना है। ओरिएंट कैसे करोगे, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं इसको ओरिएंट करूँगा ऐसे, ठीक है। तो 9 लाइक दिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कार्बन कम हो गया ऐसे, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ऐसे दिखाया ना आपने, आपको ऐसे ओरिएंट करना है। देखो 9 को देखो, अब आपने 9 8 और 7 6 में आपके पास ये है। अब देखो जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये मिथाइल इसके विद रिस्पेक्ट टू ई है ना, तो यहाँ पे भी ई कैसे दिखाओगे ऐसे, तो उससे ये वाला ग्रुप क्या हो जाता, आउटसाइड, क्योंकि स्टूडेंट्स अंदर वाला ग्रुप तो एच ही होगा ना। अब सिमिलरली आप जब 1 2 की बात करोगे तो 1 2 एंड देन 3 में, 3 में आपके पास ये है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ भी आपके पास सी ओ एच कैसे है, इसके विद रिस्पेक्ट टू ट्रांस है, तो ये ऐसे हो गया। आपको बनाना आना चाहिए स्ट्रक्चर्स को, मैंने ऐसे बना लिया। अब उसके बाद डिसऑर्डर होगी, डिसऑर्डर कैसे होगी, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपके पास 6 मेंबर आ गई, ठीक है। हम मैं इसको ऐसे ही नाम दे देता हूँ, बेसिकली 1 2, ठीक है, एंड देन अपने पास यहाँ पे 6 7 8 एंड 9, ऐसे ही नाम दे देता हूँ। आपने साइक्लाइज कर दिया ना, अब साइक्लाइजेशन के बाद आपने 1 और 9 के बिटवीन बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे जो मिथाइल होगा उसकी स्टीरियो मैटर करेगी, 1 पे जो CO2H ग्रुप होगा उसकी स्टीरियो मैटर करेगी, और 2 पे जो सी डबल बॉन्ड O करके आगे होगा उसकी स्टीरियो मैटर करेगी। अब यहाँ पे देखो 1 ये वाला हो गया ना कार्बन, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे आपके पास 5 हो गया, और यहाँ पे आपके पास 4 हो गया। तो आपने ये बना लिया, राइट। अब आपको स्टीरियो डिसाइड करनी है, आपने सब कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने रेडियो सिलेक्टिविटी भी किस तरह डिसाइड करी, रेडियो सिलेक्टिविटी में ना स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे प्रोडक्ट आपने 6 मेंबर बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली आपने इस वाले यूनिट को इस वाले यूनिट के साथ कंबाइन किया है। अब इसमें आप कह सकते हो कि लूमो कोफिशिएंट इस पर भी ज़्यादा, यहाँ पे देखो ये भी तो विड्रॉ कर रहा है ना, तो दोनों पे लूमो कोफिशिएंट, आपने 6 मेंबर रिंग बनाई। अब इसके बाद आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है स्टूडेंट्स, आपको एंडो प्रोडक्ट बनाना है,
ठीक है। तो एंडोप्रोटिक के लिए ये वाला ग्रुप आउटसाइड था। तो आउटसाइड ग्रुप मींस अगर ये यहाँ पे मिथाइल आउटसाइड सिन रखना है इसको, इसके विद रिस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ अगर मैं इसको अंदर रख दूँ, एक ही बात है, तो इसको इसके विद रिस्पेक्ट टू सिन रखना है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसको भी सिन रखना है। तो मींस कि यहाँ पे जो आपकी एच होगी वो क्या रहेगी, ऐसे। अब यहाँ पे जो आपकी एच है वो क्या है, इनसाइड है, तो वो भी यहाँ पे क्या रहेगी, वेज रहेगी, राइट। कुछ नहीं किया आपने, आपने जो आउटसाइड ग्रुप्स है ना उसको आपने क्या रख दिया, सिन रख दिया टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो आपके इनसाइड ग्रुप्स हैं उनको आपने एंटी रख दिया टू EWG। और ये दो एचेस में आपस में फिर स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, सिन होगी। क्योंकि आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आउटसाइड ग्रुप्स होंगे ना वो आपस में सीन ही जाएंगे, और जो इनसाइड ग्रुप्स होंगे वो आपस में सीन ही जाएंगे, ठीक है ना, वो आपस में सीन ही जाएंगे। तो आपके पास ये वाली चीज़ होगी। सो हमने क्या किया, इंट्रा मॉलिकुलर लीजेल्डर किया। अब इसके बाद आगे शुरू करते हैं। देखो, फॉर द लीजेल्डर रिएक्शन, जैम का क्वेश्चन है ये, 1 to 4। अब हमें चार लीजेल्डर रिएक्शन दिए हुए हैं, हमने इसमें एक्टिवेशन बैरियर फॉलोज द ऑर्डर पूछा है। अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका एक्टिवेशन बैरियर है, मैंने आपको बताया था प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, ये वाला आपका बैरियर है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा एक्टिवेशन स्टूडेंट बैरियर होगा उतना ज़्यादा आपका रेट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो बेसिकली इट इज़ आस्किंग कि इनमें से सबसे स्लो कौन सा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे स्लो, मैंने एक चीज़ डिस्कस करी थी, देखो आपके पास क्या दी हुई है, आपके पास डाइंस दी हुई है, बट वो डाइंस एरोमेटिक भी हो सकती हैं इन केस ऑफ थायोफीन फ्यूरान एंड पायरोल। तो मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, तभी मैंने आपको कहा था आगे क्वेश्चन आएगा, एरोमेटिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डाइंग करेक्टर कम होगा, मीन्स के उतना वो स्लो रिएक्ट करेगी। तो इसका उल्टा कर दें, तो एरोमेटिसिटी जितनी कम डाइंग करेक्टर उतना ज़्यादा, उतना रिएक्शन फास्ट, राइट। तो वही करना है। तो अगर हम एरोमेटिसिटी देखें तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो फ्यूरान है वो लीस्ट एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो अपना लोन पर इतनी आसानी से देगी नहीं एरोमेटिसिटी में। फ्यूरान आएगा, देन अपने पास देन अपने पास पायरोल आएगा, एंड देन आपके पास थायोफीन आएगी, सच दैट ये बेंजीन के बाद आएगी, ठीक है। और जो आपके पास साइक्लोपेंटाडाइन है वो तो आपके पास सीपी बोल दो उसको, वो तो आपके पास नॉन एरोमेटिक ही है ना, तो वो तो एंड में ही आएगी बिकॉज वो नॉन एरोमेटिक है। ये मैं किसका ऑर्डर लिख रहा हूँ, एरोमेटिसिटी का। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, अभी मैंने बताया एरोमेटिसिटी जितनी कम उतना रिएक्शन रेट ज़्यादा, मीन्स कि उतना एक्टिवेशन बैरियर कम। तो एरोमेटिसिटी में ये चीज़ होगी, तो रेट कंपेयर कर लो, तो रेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, सीपी का, देन फ्यूरान का, देन पायरोल का, एंड देन थायोफीन का। अब मैंने आपको बताया ये कि जो आपका एक्टिवेशन बैरियर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट है, जितना ज़्यादा बैरियर ज़्यादा होगा उतना रेट कम होगा। सो आप अगेन ऑर्डर रिवर्स कर दो तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी थायोफीन, पायरोल, फ्यूरान एंड देन सीपी, तो आपके पास ये वाला ऑर्डर आएगा। तो ये वाला ऑर्डर कहाँ है, बेसिकली आपके पास थायोफीन 3 था, पायरोल आपके पास 4 था, फ्यूरान आपके पास 2 था, एंड देन 1, तो 3, 4, 2, 1। तो बेसिकली आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स दैट विल बी सी, ठीक है। चलिए, उसके बाद द मेजर प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें आपका जैम का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसका है, ऑफ रीजियो सिलेक्टिविटी, आपको रीजियो सिलेक्टिविटी देखनी है इसमें। अब रीजियो सिलेक्टिविटी इफ यू वांट टू कंपेयर, अब इसमें देखो आपके पास डाइन तो एज इट इज़ पड़ी है, बट आपके पास डाइनोफाइल है। अब डाइनोफाइल में आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओ एम ई ग्रुप है वो आपका
प्लस एम इफेक्ट शो करता है, वाइल जो आपका मिथाइल है वो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो करता है। और आपको पता है जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है वो मच स्ट्रॉन्गर है देन द हाइपर कॉन्जुगेटिव, मीन्स के ये मच मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो हमें तो डाइन नो फाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए ना उस पर, या कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, तो यही है। तो मीन्स के इन दोनों डाइनोफाइल यूनिट से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी, ये वाली, तो वो वाली साइड रिएक्ट करेगी। तो जब वो वाली साइड रिएक्ट करेगी, अब इसमें देख सकते हो ना ऐसे होगा, ठीक है, तो वो वाली साइड रिएक्ट करेगी। तो वो वाली साइड जब रिएक्ट करेगी तो आपके पास क्या आएगा, फिर द डाइन, ठीक है, आप लाइक दिस बना दो, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। आपने ये वाले ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए जिसमें आपके पास OMe है, क्योंकि उसने मिथाइल साइड से रिएक्ट करना है। अब इसमें आपने क्या देखना है, मिथाइल्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है। अब मिथाइल्स आइदर दोनों एक दूसरे के एंड आ जाएंगे या ट्रांस जाएंगे, मतलब सिन जाएंगे। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें थोड़ा सा रेज कर दूँ। आपको पता है जो आपकी डीजल्डे रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। मीन्स के जो डाइनोफाइल पे आपके पास जो मिथाइल और एचिस होंगे उनके यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, दोनों एक दूसरे के सिन है, क्या है, सिन है। तो रिएक्शन होने के बाद भी क्या रहेगी, यहाँ पे रिटेंशन रहेगी, तो आपके पास सिन ही आएगा, ठीक है। ये डाइनोफाइल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सिन आएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी डी। नाउ अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक को विद द डीजल्ड। अब ये वाला क्वेश्चन आया तो गेट में है, बट ये जैम में भी आ सकता है बिकॉज प्रॉबेबल है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, आपको सबसे पहले इसको देखो, थर्मल कंडीशंस दी हुई है बिकॉज इसको डीजल्ड के साथ कंबाइन करना था, तो वी नीड थर्मल कंडीशंस, राइट। तो आपके पास ये चीज़ है। अब यहाँ पे आपके पास फिनाइल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटाई हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ ना, देखो इसमें ये क्या है, बेसिकली ये साइक्लोब्यूटेन यूनिट है। साइक्लोब्यूटेन यूनिट अगर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करेगा, जो मैंने कहा था आपको फेवर्ड होती है रिंग स्ट्रेन रिलीज होने के कारण, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अब यहाँ पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है किसकी, फिनाइल्स की। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ओपन फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4π इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्मल कंडीशन है तो आपके पास होगी कि आपके पास कॉन्ड रोटेशन होगी। तो अगर आपके पास दोनों ग्रुप्स आउटवर्ड हों, है ना, आपके पास दोनों ग्रुप्स आउटवर्ड हों या दोनों ग्रुप्स आपके पास इनवर्ड हों, तो जब आप कॉन्ड रोटेशन कराओगे क्लोजिंग में, तो आपको दोनों ग्रुप्स क्या मिलेंगे, ट्रांस मिलेंगे, वो मिल रहे हैं। तो व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ पे आपके पास दोनों चीज़ें प्रॉबेबल हैं वाया कॉन्ड रोटेशन। आपके पास दोनों फिनाइल्स अंदर को आ सकते हैं, दोनों फिनाइल्स बाहर को आ सकते हैं। अब इसमें जब भी आपके पास, मैंने आपको डब्ल्यू शेप या यू शेप कार्बोकेटाइन में एग्जांपल दिया था, तो जब भी आपके पास ऐसी चीज़ें हों तो आप किसको फेवर करोगे, इसको फेवर करोगे, बिकॉज इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना, कॉन्ड रोटेशन से दोनों आ सकते हैं, बट हम किसको फेवर करेंगे, इसको फेवर करेंगे। सो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग से आपने ये बना दिया। उसके बाद दोनों फिनाइल ग्रुप्स क्या रहे स्टूडेंट्स, आउटसाइड। मैं डी जेड की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, ये इनसाइड, ठीक है। आपके पास जो डाइनोफाइल है ये वाला स्टूडेंट्स, आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, एंडो प्रोडक्ट आएगा। तो एंडो प्रोडक्ट आप कैसे दिखाओगे, दोनों फिनाइल ग्रुप्स अगर बाहर को हैं तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये भी आपको कहाँ मिलेगा, बाहर को मिलेगा, ठीक है। प्लस इसका एनेंशियोमर, तो ये आपने क्या बनाया, एंडोडायस्टीरोमर बनाया, प्लस इसका जो एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर में क्या करो, सभी चेंज कर दो, यहाँ फिनाइल, यहाँ फिनाइल,
यहाँ सी ओ टू एम ई, तो आपके पास ये दो प्रोडक्ट्स आएंगे बेसिकली एंडोडायस्टेरोमर के, ये दो एंजाइम्स हैं। तो आपको क्या मिलेगा फिर, अब ऑप्शंस में देखो आपके पास जो सी ओ टू एम ई है वो सबसे पहली बात दोनों फिनाइल ग्रुप्स आउटसाइड थे, तो मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड ग्रुप्स को आपने क्या रखना है, सिंथ रखना है एक दूसरे के, तो आपका ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब दोनों को आपने सिंथ रखना है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के भी आपको सिंथ स्टीरियोकेमिस्ट्री रखनी है, इसमें आपने ट्रांस रख दी, तो ये वाला एक्चुअली दिस वन इज़ आर एक्सो प्रोडक्ट, सो आपका एंडो प्रोडक्ट मेजर है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी डी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने क्या कराया, आपने एंडोसाइक्लाइजेशन करवाई है डीजेल्डर में और आपने किस तरह प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। तो अब डीजेल्डर हमारा ख़त्म होता है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ 1,3 डायपोलर साइक्लोडिशन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है गेट, ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पहले पार्ट किया है ना इलेक्ट्रोसाइक्लिक एज वेल एज 4+2 साइक्लोडिशन जिसमें मेन डीजेल्डर हमने किया है, वो सब इंपॉर्टेंट है जैम पर्सपेक्टिव से। इसके बाद मैं जो भी चीज़ें करवाऊँगा वो जैम वाले स्टूडेंट्स मत देखें, ठीक है, वो केवल गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1,3 डायपोलर साइक्लोडिशन। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखो, इसको आप समझोगे हमेशा डीजेल्डर के हिसाब से, ठीक है, कुछ फीचर्स कर लेते हैं इसके। अब इसको बोल रहे हैं 1,3 मीन्स के यहाँ पे 1,3 डायपोल इन्वॉल्व है जो एनालोगस टू अ डाइन है, ठीक है, जैसे डीजेल्डर में हम करते थे। अब साथ में क्या होगा, यहाँ पे हम बोलते थे डाइनोफाइल दैट वॉज एल्कीन, राइट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है बेसिकली डायपोलैरोफाइल है, वो भी एल्कीन ही लेंगे हम इस यूनिट में, ठीक है। अब इसमें कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको 1,3 डायपोल का पता होना चाहिए। कुछ 1,3 डायपोल्स में लिस्ट कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नाइट्राइल ऑक्साइड है, ठीक है, ये कार्बन है, आपके पास एक नाइट्राइल ऑक्साइड है, आप ओजोन ले लो, ठीक है, आप ऑर्गेनिक एजाइड ले लो, अब डायज़ो एल्केन ले लो, अब डायज़ो एल्केन ले लो, ठीक है, और एक आप नाइट्रोन एग्जांपल ले लो। अब नाइट्रोन के केस में क्या है, नाइट्रोन के केस में इट इज़ लाइक दिस। अब इन सब में आपने एक फीचर ज़रूर देखा होगा, मैंने कुछ बनाया है, मैंने 1,3 रिलेशनशिप इसमें नहीं दिखाया डायरेक्ट, बेसिकली 1,3 रिलेशनशिप किस में होगा, जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ आप इस बॉन्ड को ऐसे डीलोकलाइज करोगे इन द रेजोनेटिंग फॉर्म, तो जब आप रेजोनेटिंग फॉर्म में करोगे तो आपके पास यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सो व्हाट डज दैट मीन, आप सभी में ये चीज़ कर सकते हो, तो आपके पास 1,3 रिलेशनशिप आया किसका, ऑपोजिट चार्जेस का, तो अपने पास है 1,3 डायपोल हो गया, ठीक है। अब ये रिएक्ट कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक नाइट्राइल ऑक्साइड, ठीक है, हम नाइट्राइल ऑक्साइड का मैं रिएक्शन कराता हूँ किस पे, किसी एल्कीन पे, ठीक है, अब एल्कीन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिनाइल ले लो और यहाँ पे एच ले लो। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है देखो, हमारे पास मॉलिकुलर ऑर्बिटल इंट्रैक्शन क्या है, हमने डीजेल्डर में देखा था हमारे पास जो होमो है डाइन की दैट विल इंट्रैक्ट विद द लूमो ऑफ द डाइनोफाइल, और हमने जो एरोज है हमारे इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड थी वो इस तरह दिखाया था। इसमें भी यही है कि हमारे पास जो होमो है ना डायपोल का 1,3 डायपोल का वो इंट्रैक्ट करेगा विद द लूमो ऑफ द डायपोलैरोफाइल, और आप इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो, ठीक है, इट इज़ बेसिकली यहाँ पे 2 pi इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 pi इलेक्ट्रॉन्स है 9 के, तो यहाँ पे इट इज़ बेसिकली 4+2 साइक्लोएडिशन ओनली, और ये भी हमारे पास थर्मल ही है, ठीक है, जस्ट लाइक डीजेल्डर ये भी थर्मली अलाउड है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे देखो, आप इस तरह दिखा सकते हो, अभी मैं ऐसे दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिनाइल ये, ठीक है, तो इस तरह आप दिखाओगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा। अब कुछ फीचर्स कर लेते हैं, पहले मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, आपके पास ये आ गया, इट्स बेसिकली आइसोऑक्साज़ोल। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स लिख देते हैं, सबसे पहले एक फीचर है कि ये वाला जो रिएक्शन है इट इज़ बेसिकली स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि मैंने इनिशियल में कौन सी एल्कीन ली थी, हमने सिस एल्कीन ली थी, जो फाइनल में भी क्या होगा रिटेंशन होगा जस्ट लाइक डीजेल्डर, यहाँ पे भी सिस ही मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे इसको तो हमने बोला इट इज़ बेसिकली थर्मली अलाउड, ठीक है,
अगर हम इसको फोटोकेमिकल कंडीशंस में करेंगे तो ये नहीं होगी, इट इज़ बेसिकली थर्मल कंडीशंस में। और हम बात करते हैं इसमें रीजियो सिलेक्टिविटी की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रीजियो सिलेक्टिविटी किस तरह देखनी है, देखो आपको पता लग गया कि आपने लूमो देखना है किसका, डायपोलैरोफाइल का। तो फॉर एग्जांपल अगर एक मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन लूँ जिसमें इस केस में मैं फिनाइल ले लूँ और इस केस में मैं एच ले लूँ, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल नाइट्राइल ऑक्साइड ले लो या ऑर्गेनिक एजाइड ले लो जैसे 1,3 डायपोल, तो आपको पता है कि इसका जो होमो है वो इंट्रैक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे इसका तो आपने होमो देखा, इसका आपने क्या देखना है, लूमो कोफिशिएंट देखना है, जस्ट लाइक हम रिजल्टर में देख रहे थे। तो लूमो कोफिशिएंट देखने के लिए आप क्या देखोगे कि जो डेल्टा प्लस चार्ज है वो किस पे ज़्यादा है, जस्ट लाइक हम रिजल्टर में देख रहे थे। अब इसमें देखो जो ग्रुप कैटायन को बेसिकली स्टेबलाइज कर पा रहा है ना, वहाँ पे उसका क्या होगा, लूमो कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। अब देखो इन दो कार्बन्स में इसको अगर मैं डेल्टा 1 प्लस बोलूँ और इसको मैं डेल्टा 2 प्लस बोलूँ तो ज़्यादा अमाउंट किस पे होगी, इस पे, बिकॉज इसको स्टेबलाइज कर पा रहा है फिनाइल, है ना, कॉन्जुगेशन से हम समझ सकते हैं इसे। एक्चुअली में चार्जेस नहीं है, एक्चुअली में तो कंसर्टेड मैनर में होता है, बट इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है उसको स्टेबलाइज कर सकता है फिनाइल। तो वट आई से कि जो डेल्टा 1 प्लस है वो ज़्यादा इन कंपेरिजन टू डेल्टा 2 प्लस, तो मीन्स कि यहाँ पे जो लूमो कोफिशिएंट है वो ज़्यादा है। तो मैं जब इसका अटैक दिखाऊंगा तो मैं इस पोजीशन पे दिखाऊंगा और फिर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो उससे हमारी रीजियो सिलेक्टिविटी डिसाइड होगी। साथ में कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं गेट का। अब इसमें देखो आपको डायरेक्ट 1,3 डायपोल ऐसे दिया हुआ है, बट ज़रूरी नहीं आपको दिया हुआ, इसको आपको जनरेशन मेथड्स भी आने चाहिए। अपने पास नाइट्राइल ऑक्साइड है, इसको देखो हम जनरेट कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम जनरेट पता कैसे करेंगे, इसको हम जनरेट करेंगे फ्रॉम दिस, एक मेथड है जिसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रो इथेन ले। अब नाइट्रो इथेन के साथ अगर हम कोई डीहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करें ना, अब डीहाइड्रेटिंग जो कॉमन यूज़ होता है दैट इज़ गिवन एज फिनाइल आइसोसाइनेट, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसके 2H और इसकी एक ऑक्सीजन वो निकल जाएगी, तो एक H उसकी, 2H इसकी, है ना, आपने क्या करना है, वाटर रिमूव करना है ना, इट इज़ बेसिकली योर डीहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे N आएगा, एक ऑक्सीजन बच गई, सो आपके पास नाइट्राइल ऑक्साइड जनरेट हो गया एज अ 1,3 डायपोल, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, चलो अब यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, दोनों मिथाइल्स एक दूसरे के सिस दिए हुए हैं, आपको पता है स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो स्टीरियो स्पेसिफिक है तो आप यहाँ पे अटैक कराओगे, सिमेट्रिकल एल्कीन है तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास जो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दिस थिंग, ठीक है। वहां पे आपको क्या दिया हुआ था, मिथाइल दिया हुआ था, आई थिंक मिथाइल एंड देन ओके। अब इन दोनों की आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करनी है, वो क्या दिखेगी हमें, सिस दिखेगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको दिया हुआ है रानेनिकल एंड साथ में हाइड्रोजन, ठीक है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे हमारी हाइड्रोजनेशन होगी, तो हाइड्रोजनेशन के बाद आपके पास क्या आएगा, आपको ये वाली बॉन्ड ब्रेक करना है, सॉरी हाइड्रोजनेशन ही हम बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे हाइड्रोजिनोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोजिनोलिसिस में हमने क्या कर दिया, बेसिकली हमने एनो बॉन्ड क्लीव कर दिया। तो जब एनो बॉन्ड क्लीव करेंगे इसमें ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो सिन मैनर में दोनों आए थे, तो सिन मैनर में दोनों आने का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास यहाँ मिथाइल है, यहाँ एच हो गई, आपने क्या किया, आपने बस बॉन्ड क्लीव करके दोनों जगह एच ऐड कर दी, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है HCl, एसिड कंडीशंस। अब एसिड कंडीशंस में क्या करोगे, आपके पास इमीन है, देखो अगर यहाँ पे आपके पास LAH होता ना, तो LAH में आपके पास क्या आता है, ये वाला ग्रुप भी रिड्यूस हो जाता है, तो LAH के केस में आपके पास ये वाली चीज़ आती, ठीक है, LAH में आपके पास ये वाली चीज़ आती है, बट इसमें आपने क्या किया, हाइड्रोजिनोलिसिस की है। तो हाइड्रोजिनोलिसिस के बाद अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ईमीन की हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है। आपके पास ईमीन है, उसको आपने हाइड्रोलाइज कर दिया, तो हाइड्रोलिसिस के बाद आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली चीज़ आएगी, ओके, आपके पास ये वाली चीज़ आएगी। अब इसको आपने बस ढंग से लिखना है, देखो आपके पास जो भी ऑप्शन है ना,
उसमें आपको इसको ढंग से लिखना है। तो ढंग से आप कैसे लिखा हुआ है, एंटी मैनर में लिखा हुआ है। अब इसको सही से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो आपके पास इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, ये ऊपर है 100 हॉर्स में, दोनों ग्रुप्स ऊपर हैं, ये वाला मिथाइल ग्रुप इधर है, ये वाला एच पीछे है, ये वाला मिथाइल इधर है और ये एच पीछे। अब इसको आपने रोटेट कैसे किया, सच दैट ठीक है, आपको ऐसे ओरिएंट करना है इसको, ध्यान से देखना, सच दैट आपके पास ये वाला जो ग्रुप है ना, ऐसे ये वाला जो आपका ग्रुप है वो एम ई के विद रिस्पेक्ट टू क्या जाए, एंटी जाए। तो मिथाइल के विद रिस्पेक्ट टू एंटी दिखाना है आपने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला ग्रुप तो ऊपर है, स्टीरियो में आपने ये किया हुआ है, तो ये वाला ग्रुप तो आपका इधर है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख दूंगा। अब ये वाले ग्रुप को मैं इन प्लेन ले आऊंगा, पर इन प्लेन उसके एंटी, ठीक है, इन प्लेन मैं उसके एंटी ले आया, तो इन प्लेन थोड़ा सा एंटी लेके आएंगे, तो एक्चुअली बेसिकली ये क्या था, अबव प्लेन था, तो इसको मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ठीक है। तो ऐसे रोटेट कर दिया, आपके पास इन प्लेन आ गया, आपके पास जो OH है दैट बेसिकली कम्स अबव प्लेन, और यहाँ पे जो मिथाइल है वो भी आपकी अबव प्लेन है, राइट। तो कुछ नहीं करना, आपके पास जो प्रोडक्ट आया उसको आपने ऐसे रीअरेंज करके लिख दिया, तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज़ बेसिकली जो आपका मिथाइल और हाइड्रोक्सिल है दैट कम्स आउट टू बी सो आपके पास जो मिथाइल और हाइड्रोक्सिल है दैट विल कम आउट टू बी सिन टू ईच अदर, ठीक है। तो आपके पास ये वाला आंसर है। उसके बाद हम कुछ और साइक्लो एडिशन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम थर्मल 2+2 साइक्लो एडिशन डिस्कस करें, उस केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कीटीन होती है, ठीक है, कीटीन, या फिर आप ये भी ले सकते हो आइसोसाइनेट। अब इन दोनों के केस में ना, इन दोनों के केस में हमारे पास जो पाई कॉम्पोनेंट है वो ये वाला पाई कॉम्पोनेंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाला पाई कॉम्पोनेंट क्या करेगा, साइक्लो एडिशन करेगा, कैसी, 2+2। तो मतलब ये वाली साइक्लो एडिशन इज बेसिकली थर्मली अलाउड। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे हमने बात करी थी ना कि जो ओवरलैप हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो किस तरह हो रहा है, वो सुपरफेशियल मैनर में हो रहा है। बट इस केस में आपके पास क्या होता है, ये 2π एक कॉम्पोनेंट है, दूसरा भी 2π कॉम्पोनेंट है, बट एक सुपरा और दूसरा एंटारा मैनर में ओवरलैप करते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज थर्मली अलाउड, राइट। अब ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं उस मैनर में। इसमें देखो, इसमें मैंने क्या दिखाया हुआ है, कीटीन के जनरेशन का मेथड है। तो आपके पास ट्राइथाइलमीन है, तो ट्राइथाइलमीन है यहाँ पे एच है, तो सबसे पहले यहाँ पे कीटीन जनरेट होगी, कैसी, ये वाली, ठीक है। अब वो कीटीन आपने जनरेट कर ली इन द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद वो क्या करेगा, वो इसके साथ साइक्लोडिशन देगा। अब साइक्लोडिशन अभी मैंने बात करी कि यहाँ पे नॉर्मली वी हैव 4+2 साइक्लोडिशन विच इज़ थर्मली अलाउड, इस केस में हमारे पास 2+2 साइक्लोडिशन इज अलाउड, और किस कॉम्पोनेंट की, इस कॉम्पोनेंट की, ठीक है। तो आप इसके साथ कर दो 2+2 साइक्लोडिशन, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट आया ये वाला। अब इसकी थोड़ी स्टीरियो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दो एचेस होंगे, वो क्या है, बेसिकली सिस है, तो ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक ही होगी ना, बिकॉज ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक। तो यहाँ पे रिटेंशन होगी, तो यहाँ पे रिटेंशन के बाद यहाँ पे क्या आएगी, दोनों एचेस एक दूसरे के सिन आएंगे, ठीक है, दोनों ये आएंगे। तो वैसे मैं कहूँ कि सारे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में हम जर्नलाइज नहीं कर सकते स्टीरियो स्पेसिफिक, आपको ये वाली पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये वाली स्टीरियो स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे देखो, हम कुछ हायर ऑर्डर साइक्लो एडिशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला चीज़ देखो, इसमें हायर ऑर्डर साइक्लो एडिशन कैसे है, इसमें आपको देखना है कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देखो 2 2 एंड 2 एंड यहाँ पे 2 एंड 2, तो यहाँ पे 4π इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपके पास 6π इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। सो बेसिकली ये रिएक्शन किसके इन बिटवीन है, ट्राइन और डाइन के इन बिटवीन,
ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली कॉल्ड 6+4 साइक्लोडिशन। तो हायर ऑर्डर साइक्लोडिशन आर ऑल्सो पॉसिबल। अब इस केस में क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे, अब इसमें इसका जो होमो है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो उसके लूमो के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो आपको पता है यहाँ पे प्लस एम से यहाँ पे जो होमो कोएफिशिएंट है वो ज़्यादा होगा। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे देखो दो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा स्टेबल है, मीन्स के यहाँ पे जो लूमो कोएफिशिएंट है वो ज़्यादा होगा। तो जब आप इंटरेक्ट करोगे तो आप कैसे करोगे, देखो आपने ऐसे किया इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे, यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, आप टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहे हो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये वाला पार्ट जुड़ गया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे इसका ये आ गया डायमिथाइल यूनिट, ठीक है। अब ये वाला एंड इससे जुड़ा है और ये वाला एंड इससे जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठीक से दिखाता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। आपके पास 7 मेंबर आएगी, और इस केस में आपके पास अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसको आप 1 नाम दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब आप देख सकते हो 5, 6 के इन बिटवीन आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, 7 के ऊपर आपके पास NET2 है ग्रुप। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 और 2, अब 2 के हिसाब से यहाँ पे आपके पास 5 मेंबर है, ठीक है। और 2 यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सो व्हाट डज दैट मीन, कि जैसे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, आफ्टर साइक्लोडिशन। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना, आपने रेडियो सेलेक्टिविटी का ध्यान दिया, राइट, और आपने फिर ये वाला प्रोडक्ट बनाया बाय साइक्लोडिशन बिटवीन अ ट्राइन एंड अ डाइन। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं गेट का। अब इसमें क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें ये देखो थोड़ा अलग तरह का रिएक्शन है, बट आप ये प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, कैसे, आपके पास ये वाला जो ग्रुप है दैट इज़ बेसिकली आर लीविंग ग्रुप। अब ये लीव कर जाएगा, खासकर लुईस एसिड की प्रेजेंस में तो लीविंग ग्रुप लीव कर जाते हैं, तो ये जब लीव करेगा तो यहाँ पे आपके पास केटाइन आएगा, राइट। अब वो केटाइन आप देखो स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, एक तो एलाइल है प्लस यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास एलाइल केटाइन आया, ठीक है, एलाइल केटाइन आ गया आपके पास, रीजन मैंने बता दिया आपको स्टेबिलिटी। उसके बाद आपके पास क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन है। अब इन दोनों यूनिट्स का रिएक्शन होगा आप इसमें, कैसा रिएक्शन होगा, साइक्लोडिशन रिएक्शन होगा, बिकॉज इसमें देखो आपके पास टोटल कितने, इस बेसिकली है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे टोटल 4, तो 4+2 साइक्लोडिशन होगी यहाँ पे, ठीक है, तो थर्मल कंडीशंस में वो हो सकती है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, एलाइल केटाइन है, अनयूजुअल सी साइक्लोडिशन है, 4+2 साइक्लोडिशन, ठीक है। अब जहाँ पे जब हम साइक्लोडिशन करेंगे, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला और ये यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ब्रिज बनेगा, ठीक है, वो एलाइल वाला सिस्टम जुड़ गया। अब इसमें आप देखो कि इस वाले कार्बन पे आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा, तो जब उसने उस पर अटैक किया, थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास मिथाइल आए, जैसे यहाँ पे अटैक हुआ होगा तो इधर दिखा देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास है फॉर एग्जांपल मिथाइल आए, ठीक है, और इस कार्बन पे आपके पास क्या आया, प्लस आया, और ये वाला कार्बन तो उसके साथ जुड़ गया, ठीक है,
और जिस कार्बन पे आपके पास प्लस आया उसके साथ क्या ये वाला ग्रुप अटैच है, आप देख सकते हो ये बनेगा ना आपके पास दोनों की जब आप साइक्लोडिशन कराओगे। अब ये वाला केटाइन भी स्टेबल है, अगर आप देखो रीजन ये देखो, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, आपको पता है फ्रॉम योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉलेज कि यहाँ पे बीटा इफेक्ट के कारण स्टेबलाइजेशन है किसकी, केटाइन की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आने के कारण बट वी गेट यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे पिच, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दिस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कराई, बेसिकली 4+2 साइक्लो एडिशन कराई विद द अलाइल केटाइन, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस, गॉट इट, वही आएगा। अब वहाँ से आप एच लूज नहीं करा सकते बिकॉज जो कार्बन सिलिकन का बॉन्ड है ना वो आपका वीक है, तो वो आपने ब्रेक करके वहाँ पे आपने डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये चीज़। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। अब इसमें हम किसकी बात करेंगे, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक, ठीक है। अब सबसे पहले जो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक डिस्कवर हुआ था दैट वॉज क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट किसमें होती है, बेसिकली अलाइल विनाइल ईथर, आपको सिस्टम का पता होना चाहिए, ये सिस्टम है अलाइल विनाइल ईथर। सो अलाइल विनाइल ईथर आप कैसे ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलाइल सिस्टम है और यहाँ पे विनाइल सिस्टम है, ठीक है। तो थर्मल में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिग्मा बॉन्ड बनाना है और ये वाला आपने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला आपने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, तो इसको हम 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देखो 1, 2, 3 एंड 1, 2 एंड 3, सो 3 एंड 3 कार्बन है जिनके बीच में नया सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है। तो आपने पास ये चीज़ आ गई, तो आपके पास ये वाला जो नया सिग्मा बॉन्ड है वो बना है, ठीक है, और आपने ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया। तो इसको ना नेमिंग भी इंपॉर्टेंट होती है इसकी, कि इसको हम 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक किस सेंस में बोल रहे हैं, कि आपने यहाँ पे नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया और आपने ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो वाला ब्रेक किया। तो यहाँ पे जो टोटल डेल्टा सिग्मा है ना, डेल्टा सिग्मा यहाँ पे आपका कितना होता है, देखो आपने एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड्स तो सेम ही है, सो यहाँ पे जो डेल्टा सिग्मा वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, सिग्मा ट्रॉपिक के केस में डेल्टा सिग्मा वैल्यू आपकी जीरो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टाइप देख लेते हैं जिसमें हम क्या करा रहे हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट ही करा रहे हैं। आपने ये वाली क्लेजन भी देखी होगी, ठीक है, उस केस में क्या होता है आपके पास ये वाला सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसमें भी आप पहचानो आपके पास क्या है, विनाइल अलाइल ईथर, तो विनाइल अलाइल ईथर में अंडर थर्मल कंडीशंस क्या होगा आपके पास, लाइक दिस, तो आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, आपके पास ये वाली चीज आ गई। अब इसको क्या आप कर सकते हो, एरोमेटाइज कर सकते हो, तो जब आप इसको एरोमेटाइज करोगे तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, बेसिकली ऑर्थो अलाइल फिनोल। सो यहाँ पे भी जो रिएक्शन होती है दैट इज़ योर क्लेजन रीअरेंजमेंट ओनली, ठीक है। क्लेजन रीअरेंजमेंट में आपको सिस्टम याद रखना है, आपका सिस्टम क्या होता है, अलाइल विनाइल ईथर। अब यहाँ पे देखो ये भी अ सॉर्ट ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे क्लेजन रीअरेंजमेंट किस तरह हो रही है, यहाँ पे ऑर्थो एस्टर्स इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है ये पास अपने क्या है, इट इज़ बेसिकली ऑर्थो एस्टर। अब ये ऑर्थो एस्टर क्या करेगा अंडर एसिड कंडीशंस, ध्यान से देखना, ये आपको पता है OME को हम एक OME को अगर हम प्रोटोनेट कर देते हैं, ठीक है, इट इज एन ऑर्थो एस्टर जिसको बोलेंगे मिथाइल, ये वाला ग्रुप। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोन पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। अब इस पर ये अपने पास एलिलिक अल्कोहल है, एलिलिक अल्कोहल इस पर अटैक करेगी,
तो जब ये एलिलिक अल्कोहल उस पर अटैक करेगी तो आपके पास क्या आएगा, ओ एम ई दो यूनिट्स और यहाँ पे मीथाई, ठीक है। एक आपने ओ एम ई यूनिट निकाल दिया इसमें एथेनॉल, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे अगेन आप प्रोटोनेशन कर सकते हो, ये लीव कर गया तो आपके पास क्या आ गया एक सेंस में, अभी यहाँ पे ओ एम ई, यहाँ पे आपका मिथाइल, ओके। उसके बाद कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे इस पर प्लस आया हुआ है बिकॉज उसका लोन पर इन्वॉल्व था। अब यहाँ पे आप ऐसे टॉटोमराइज करके तो आपके पास सेम चीज़ आ गई, ठीक है, आपके पास सेम सिस्टम आ गया जिसको आप क्या बोल रहे हो, बेसिकली विनाइल अलाइल ईथर। तो विनाइल अलाइल ईथर क्या करेगा, सिग्मा ट्रॉपिक करेगा, ठीक है। तो आपने ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सॉरी ये वाला फॉर्म किया आपने, ये वाला ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तो आपके पास क्या आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये वाला सिस्टम आ गया। अब इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास एस्टर आ गया। तो ये क्लेजन रीअरेंजमेंट करी हमने अलग से तरीके से, जिसमें हमने बेसिकली वो जो यूनिट है विनाइल अलाइल ईथर वो हमने जनरेट किया है फ्रॉम द ऑर्थो एस्टर अंडर एसिड कंडीशंस। तो ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अब हम करते हैं कोप रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब कोप रीअरेंजमेंट कैसे होती है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें भी आप क्या करा सकते हो, सिग्मा ट्रॉपिक 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट करा सकते हो। आपने सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट कराना है ना यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, बेसिकली यहाँ पे इट इज़ लाइक दिस, ये लाइक दिस, तो आपने ये वाला बॉन्ड लीव कर दिया। तो 1 2 3 जहाँ से आपने बॉन्ड ब्रेक किया ना वहाँ से आप नंबर करोगे 1 2 3, तो आपने 3 और 3 कार्बन के बीच में नया सिग्मा बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो ये वाला आपने जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपने नए तरीके से बनाया है। अब ये वाली जो आपने सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट करी ना, देखो ये वाला तो रिवर्सिबिलिटी रहेगी बिकॉज दोनों प्रोडक्ट्स आइडेंटिकली हैं, ठीक है, इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। बट एक हमारे पास क्या होती है, इट्स बेसिकली कॉल्ड, अगर हम यहाँ पे ओ नेगेटिव यूनिट लगा दें ना, और अब हम हीट करें, तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम इट विल ड्राइव फॉरवर्ड। वहाँ पे तो देखो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स पे, वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पे क्या होगा कि आपने अब यहाँ पे जब आप सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट करोगे व्हाट यू गेट, यहाँ पे एक तो जो रेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली एनाइनिक ऑक्सीकोप, ठीक है। कोप रीअरेंजमेंट वो थी एनाइनिक ऑक्सीकोप, ये तो इस केस में क्या होगा आपके पास, ये चीज़ हो गई, यहाँ पे आपने नया सिग्मा बॉन्ड बना दिया, इट विल बी लाइक दिस। अब इसके बाद क्या होगा, अंडर एच प्लस कंडीशन यू विल गेट दिस एंड दिस विल टॉटोमराइज। देखो यहाँ पे इनोल है, तो वो इनोल किस में टॉटोमराइज कर जाएगा, कीटो फॉर्म में, आपके पास कीटो फॉर्म आ गई, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आ गया और यही इसके इक्विलिब्रियम का ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। अब एक बार इसको देख लो, तो चलिए हमने डिस्कस किया अभी एनाइनिक ऑक्सीकोप, उसमें आप देख सकते हो कि ओ नेगेटिव के कारण जो आपका रेट है वो काफ़ी एक्सेलरेट हो गया, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इधी के 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक के। अब इसमें देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, पोटाशियम हाइड्राइड दिया हुआ है, ये वाली आपके पास एक्टिव एच है, तो वहाँ से वो ओ नेगेटिव जनरेट करेगा, ठीक है। तो ओ नेगेटिव जो आपका जनरेट हुआ, यहीं पर दिखा देते हैं, उसके बाद क्या होगी, मैंने आपको अभी बताया जो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक इन केस ऑफ एनाइनिक ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट है वो एक्सेलरेटेड है। तो यहाँ पे आप 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक कराओगे, आपके पास देखो दो डबल बॉन्ड्स भी हैं और उनका आप रिलेशनशिप भी देख सकते हो। जब आप ऐसे कराओगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करोगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो 1 2 3 एंड 1 2 3, तो आपके पास क्या हुई, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक। जब आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो आपके पास अभी क्या आएगा, देखो ये वाला आपका बॉन्ड क्लीव हो गया और इन दोनों में बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो आप, मैं इसको नेमिंग करता हूँ अभी, देखो जैसे अगर मैं यहाँ से नेम करता हूँ 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसका बॉन्ड बन गया इसके साथ 9, 10, तो आपके पास एक 10 मेंबर। ठीक है, आपके पास मैंने ऐसे 10 मेंबर बना दी। यहाँ पे आपके पास जो O है, O नेगेटिव है, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड O तो आ ही जाएगा उसका, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबरिंग की थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and 10। ठीक है, इस तरह मैंने आपको बना दिया। अब इसमें देखो आपके पास 1 और 10 के इन बिटवीन क्या आया, डबल बॉन्ड आया, तो 1 and 10 के इन बिटवीन आपका डबल बॉन्ड आया, उसको O नेगेटिव से मैंने टी टू फॉर्म बना दी। फिर आपका 9, 8 में बॉन्ड बना, और आपका यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं 10, इसको बोल देते हैं 11, तो 11 और 4 के इन बिटवीन आपका बॉन्ड आया। तो 8 के साथ आपके पास 11 नंबर कार्बन है, ठीक है, उसका किसके साथ बॉन्ड है, 4 के साथ, क्या है, डबल बॉन्ड। और कहाँ पे, तो यही हुआ आपके पास, तो आपके पास जो फाइनल आया प्रोडक्ट वाया दैट एनायनिक ऑक्सीग्रुप की अरेंजमेंट, दैट इज़ दिस। ओके, अब इसको देखो, जब भी आप LDL होगे तो आपको पता है ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, तो वो वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये वाला इनोलेट जनरेट हुआ, आपके पास ये वाला इनोलेट जनरेट हुआ। अब ये वाला इनोलेट क्या करेगा, देखो इसमें कैसा सिस्टम बन रहा है, अब आप मुझे बताओ इसमें सिस्टम कौन सा बन रहा है, इसमें बन रहा है अलाइल विनाइल ईथर वाला। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक क्लैजन रीअरेंजमेंट करूँगा, है ना, यहाँ पे विनाइल यूनिट है, वहाँ पे अलाइल यूनिट है, तो कर दो, ठीक है, लाइक दिस। तो मैंने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया स्टूडेंट्स, मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया 1, 2, 3 and 1, 2 and 3, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास, मैं अभी स्टीरियो डिस्कस करूँगा, अभी मैंने स्टीरियो डिस्कस नहीं करी है। तो आपके पास ये वाली चीज आ गई, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, अंडर H प्लस कंडीशन आप इसको प्रोटोनेट कर दो, तो आपको एसिड मिला, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दिस वन। तो आपने जो नया सिग्मा बॉन्ड बनाया दैट इज दिस। अभी चलो, अभी इसमें भी देखो क्या होगी, हमारे पास 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगी, कैसे होगी, देखो इसमें हमें रिलेशनशिप देखना है। देखो अब यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो आपने ये वाला बॉन्ड क्लीव कर दिया। अब 1, 2 and 3 मैंने बताया, जहाँ से हमने बॉन्ड ब्रेक किया वहाँ से हमने नंबरिंग करनी है, तो 1, 2 and 3, तो 3 और 3 कार्बन के बिटवीन आप बना रहे हो, सो यहाँ पे भी आप क्या कराओगे, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कराओगे। अभी मैंने आपसे बात करी कि जो कोप रीअरेंजमेंट है उसकी ड्राइविंग फोर्स हमने पहले करी है नायनिक ऑक्सीग्रुप की अरेंजमेंट में क्या थी, अब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या होगी कि जो साइक्लोप्रोपेन है ना उसका जो रिंग स्ट्रेन है वो रिलीज हो रहा है, जो रिंग स्ट्रेन है दैट इज गेटिंग रिलीज, तो ये इसकी ड्राइविंग फोर्स होगी। तो ये ड्राइविंग फोर्स होगी, तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब इसको आप ओवरऑल नंबर कर लो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, क्योंकि ये बॉन्ड तो आपने ब्रेक कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ठीक है। तो मैं यहाँ से नंबर कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब इसमें आप देख सकते हो कि आपने बॉन्ड किसके इन बिटवीन फॉर्म किया 2 and 3, और किसके इन बिटवीन फॉर्म किया दिस 5 and 6। ओके, और जो आपका 1 है 1 पे आपके पास ये वाला ग्रुप है, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स इसमें हम करेंगे कोप रीअरेंजमेंट। अब इस कोप रीअरेंजमेंट भी ड्राइविंग फोर्स क्या है आप मुझे बताओ, यहाँ पे ये वाले जो डबल बॉन्ड्स हैं दे आर बेसिकली मोनो सब्स्टिट्यूटेड, वहाँ पे जाके क्या बन रहे हैं, वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बन रहे हैं, तो मोस्ट स्टेबल बन रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया रिवर्सिबिलिटी है, तो थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल करेगी, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल करेगी, तो हमारे पास ड्राइव फॉरवर्ड होगा। तो अब हम 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक ही कराएंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोडक्ट बना लोगे लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। बट हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है अबाउट, यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड आएगा
ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, इन दो डबल बॉन्ड्स के अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जब भी हमने स्टूडेंट्स देखनी है ना, हमने कैसे देखनी है, वाया सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाने का सबसे सही तरीका मैं आपको दिखाऊँ, आप बना लो चेयर। ठीक है, मैं उसको उस फॉर्म में नहीं दिखाता, लाइक आप बाद में दिखा सकते हो डैश बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे हैं, जो फॉर्म हो रहे हैं, मैं आपको किस तरह दिखाऊंगा। देखो आपके पास ये चीज़ आ गई, अब आप इसको नंबर करो। जैसे अगर मैं यहाँ से नंबर करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ना, तो मैं यहाँ से नंबर कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपका 3, 4 इनके इन बिटवीन क्या हो रहा था, बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो इसको आप डैश में दिखा सकते हो कि 3, 4 में आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 1, 2 के इन बिटवीन आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और 2, 1 का आपका बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ठीक है, 1, 6 का आपका बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और 5 एंड 6 में आपका डबल बॉन्ड बन रहा है 4, 5। तो इस तरह आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, राइट। अब इसमें देखो जो 1 कार्बन है ना, उसमें आपका मिथाइल क्या है, अबव प्लेन दिखाया है। तो यहाँ पे अबव प्लेन कैसे आएगा, एक मिथाइल आपका अबव प्लेन इस तरह ही आएगा बिकॉज ए अबव है चेयर में, और दूसरा भी आपको अबव प्लेन दिखाया है। तो स्टूडेंट दूसरा कौन सा आएगा, ऐसे आएगा ना अबव प्लेन। तो जब आपने बॉन्ड फॉर्म किया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये वाला बेसिकली आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आई आपकी, तो यहाँ पे आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आई। देखो ये अबव था ना, तो अबव कारण ये इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, जेड है, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी जेड आएगी जब वो अबव था। और यहाँ पे क्या है, ये इसके विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये इसके विद रिस्पेक्ट टू ई है, तो वहाँ पे ई आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों मिथाइल्स जेड नहीं आ सकते, ना दोनों ई आ सकते, एक जेड आएगा एक ई आएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आएगा, देखो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों पे ये जेड है और ये भी सेम साइड पे है, तो दोनों जेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी ओनली 3। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी ओनली 3। अब क्लेजन में ना हम और स्टीरियो की बात कर लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ पे ई है, ठीक है, और यहाँ पे आप ले लो, ये विनाइल ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ठीक है, मैं क्लेजन कराऊँगा, स्टीरियो की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, करोगे तो वैसे ही ये ऐसे बॉन्डशिप, ये ऐसे बॉन्डशिप, ये ऐसे बॉन्डशिप, पर इसको मैं सिक्स मेंबर की फॉर्म में भी दिखा सकता हूँ। तो जब मैं इसको सिक्स मेंबर की फॉर्म में दिखाऊंगा तो आपके पास क्या आएगा, देखो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ सिक्स मेंबर में, तो इसको दिखा दो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जो हमारे पास 3 है, देखो 3 पे हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट दिस डबल बॉन्ड, वो अपने पास क्या है, वो अपने पास ई है, तो यहाँ पे भी आपको ई ही दिखानी है। तो यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ई है, तो यहाँ पे आपका जो मिथाइल होगा दैट विल बी ई टू दिस। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मिथाइल है वो इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, अगेन ई है, मीन्स के दोनों ई दिखाए हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है उसके विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या है, ई है, तो ये भी आपके पास ऐसे ही आएगा, राइट। अब उसके बाद जब आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया था और यहाँ पे बॉन्ड बन गया था, तो आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आएगी, इट विल बी लाइक दिस। ये हो गया बिलो, तो बिलो हो गया लाइक दिस, एक कार्बन छोड़ के, ठीक है ना, ये हो गया अपने पास क्या, बिलो लाइक दिस, ये हो गया आपके पास बिलो, इट इज़ बिलो, और ये वाला आपने बॉन्ड बना दिया लाइक दिस। ये वाला आपका अबव है, ये अबव है, वो बिलो है, तो ये अबव है, तो ये किस तरह दिखाएंगे हम, लाइक दिस। ठीक है, तो आपको स्टीरियो दिखानी है लाइक दिस। अब ये मैंने इस फॉर्म में दिखाया, देखो अब इसको जब मैं सीधी फॉर्म में लिखूंगा, सीधी फॉर्म में मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे तो स्टीरियो मेरी क्या रहेगी, अबव ही रहेगी, बट
यहाँ पे दोनों सेम साइड पे है ना इस फॉर्म में, बट जब इसको मैं लीनियर फॉर्म में दिखाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा लीनियर फॉर्म में, देखो जब भी मैं इसको लीनियर फॉर्म में दिखाता हूँ ना तो लीनियर फॉर्म में मेरे पास ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के एंटी आते हैं, ठीक है, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 पे, ठीक है, तो आपके पास जो 3 और 2 पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप वो दिखा रहे हो। अब इसको देखो, ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये, ठीक है, 2 पे और ये, तो मैंने ये आपस में क्या दिखाए हैं, एंटी मैनर में दिखाए ना, वहाँ पे दोनों सिन मैनर में, तो इसीलिए जो 2 पे स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज मैं क्या करूँगा इसको चेंज कर दूंगा रोटेट करके अबाउट द बॉन्ड, तो वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने चेंज कर दी तो यहाँ पे जो आपका मिथाइल है वो वेज पे आ गया और वहाँ पे जो आपका मिथाइल है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, आपने उसको चेंज कर दिया, ठीक है, तो आपके पास बेसिकली क्या आएगा, आपके पास जो दोनों मिथाइल्स आएंगे वो एक दूसरे के सिन आएंगे, क्या आएंगे, दोनों मिथाइल्स एक दूसरे के सिन आएंगे। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप इस वाले को भी घुमा सकते हो, इस वाले को घुमाओगे तो इसकी स्टीरियो चेंज हो जाएगी, उस केस में आपके पास क्या आएगा, उसके केस में आपके पास उसका नेंशोमर आएगा, पर है तो वो सिन डायस्टीरोमर ही ना, तो सिन डायस्टीरोमर के ही आपके पास दो नेंशोमर्स आएंगे वाया दिस। अब चलिए ये वाला रिएक्शन कर लेते हैं, इसमें भी देखो क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो आपके पास विनाइल लिथियम दिया हुआ है, तो विनाइल लिथियम का ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे अटैक करेगा, हार्ड है, इनोन है, यहाँ पे इनोन पे तो सॉफ्ट एडिशन होती है, सॉफ्ट तो आपका न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, हार्ड है, तो वो क्या करेगा इस पे अटैक करेगा, तो जब वो इस पे अटैक करेगा तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे ओ नेगेटिव आएगा, आपके पास ये वाली चीज आएगी, अब मैंने इसको इस तरह ओरिएंट कर लिया तो आपको दिख गया, पर आपको खुद दिखना चाहिए, ठीक है, सेकंड, अभी देखो ये वाले अपने पास आ गया, अब इसको क्या करोगे, अब इसमें सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है, आपके पास ओ नेगेटिव आया, ठीक है, तो हमने एनायनिक ऑक्सीकोप अरेंजमेंट में क्या किया था, देखो एनायनिक ऑक्सीकोप में किया था कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, तो व्हाट यू हैव कि आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, तो आपने क्या किया यहाँ पे, आप 3, 3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट करवाओगे, आपको दिखना आना चाहिए वो कैसे हुई, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, देखो आपने ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक करा दिया, ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक करा दिया, और आपने बॉन्ड कहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ पे, अभी ऐसे ही दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल है, वो सब चीज तो अनचेंज दी है, आपके पास यहाँ पे नया सिग्मा बॉन्ड आ गया जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मिथाइल है, अब देखो 1, 2 पे डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया आपने, ऐसे किया था ना, 1, 2 पे डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, तो आप इक्विलिब्रियम फर्दर ड्राइव ऑफ करके यहाँ पे आप क्या करा दोगे, टॉटमराइज करा दोगे इसको, देखो स्टूडेंट्स आपके पास जो फाइनल मिलता है ना वो इनोलेट नहीं मिलता, आप एसिड कंडीशंस में ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐसे भी लोगे ना इसको इनोलेट को तो वो टॉटमराइज कर ही जाएगा, तो टॉटमराइज करने के बाद आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, टॉटोमराइज करने के बाद आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो ये आपको जो दिख रहा है दैट इज़ बेसिकली इन दी ए ऑप्शन। अब यहाँ पे मैंने वो ग्रुप नहीं दिखाया, वो ग्रुप किस पे था, बेसिकली ऑन दिस कार्बन जिसका बॉन्ड बना है, देखो जैसे अगर इसको नेमिंग कर लेते हैं, देखो 1, 2, 3 ओरिजिनल नेमिंग रखते हैं और यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो आपके पास सेकेंड कार्बन पर ये वाला ग्रुप अटैच था, सेकेंड कार्बन तो ये वाला है, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा। चलिए उसके बाद हम करते हैं 2, 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, देखो 2, 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में क्या है, आपके पास जो जनरल अरेंजमेंट वो ऐसे है,
ठीक है, तो ये वाला विद द लोन पेयर होगा और विद द नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो इसको 2-3 की बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो 1-2 एंड 1-2-3, सो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है सिग्मा बॉन्ड की, दैट इज़ बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, और इट कैन बी द हेटरोटम एज वेल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा, अपने पास ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है बनाने में, इट हैज़ टू बी द डायरेक्ट बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट कर गया, ये यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये वाली चीज़ आई, ठीक है, तो आपने कराया कि आपने 2-3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट कराई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है नेट में, ये नेट में आया हुआ, इसको बोलते हैं आप सल्फीनेट एस्टर, और थर्मल में तो हो रहा है, और इसको ये तो आपका सल्फोक्साइड है, तो सल्फोक्साइड और सल्फीनेट एस्टर के इन बिटवीन जो आपका इक्विलिब्रियम रह रहा है, वो इक्विलिब्रियम किसको फेवर कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम कर रहा है फेवर इसको सल्फोक्साइड को, बिकॉज ऑफ सल्फोक्साइड है, इट इज़ मोस्ट स्टेबल इन कंपैरिजन टू सल्फीनेट, ठीक है, सल्फोक्साइड है ना जो वो आपका मोस्ट स्टेबल। देखो आप उल्टा भी तो करा सकते हो ना, रिवर्सिबिलिटी जब आप शो करोगे तो आप उल्टा भी करा सकते हो लाइक दिस, यहाँ पे इसका लोन पेयर होगा, अब उल्टा भी करा सकते हो, तो सल्फीनेट को नॉर्मली इक्विलिब्रियम डज नॉट फेवर, तो ये एज इट इज रहेगा, ये फर्दर रीअरेंज नहीं करेगा इसमें, बट अगर आप ये वाली चीज़ ले लेते हो, इस बेसिकली इट्स कॉल्ड थायोफाइल, तो थायोफाइल क्या करेगा, इस सल्फर यूनिट को रिमूव कर देगा, तो रिमूव करने के बाद आपका जो इक्विलिब्रियम है वो फर्दर की तरफ ड्राइव, फर्दर शिफ्ट हो जाएगा। देखो नॉर्मली यही होता है, अगर ए और बी में इक्विलिब्रियम है ना, अगर आप बी को रिमूव कर दो या बी को सी में कन्वर्ट कर दो, तो आपका सारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इस केस में भी आपका यही होगा, सो व्हाट यू गेट बेसिकली, यू गेट द एलिलिकल कोहल। सो आपके पास देखो, अब वो तो मैंने सल्फर का दिखाया था, इस केस में भी हो सकता है, इस केस में अगर आप फोटोकेमिकल कंडीशंस लोगे हैं, यहाँ पे आप साथ में कॉपर लोगे एज अ कैटलिस्ट, तो उस केस में क्या होगा, ये जो डायजो वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाता है, ये हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में पढ़ते हैं, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास यहाँ पे कार्बिन जनरेट होती है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कार्बिन जनरेट होगी, यहाँ पे एक एच है, तो डायवेलेंट जो आपकी कार्बिन है वो जनरेट होगी, उसके बाद क्या होगा कि ये अपना लोन पेयर इसको देगा, बिकॉज कार्बिन आपकी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ये वही सिस्टम क्रिएट हो गया जो हमने पहले बात करी, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे, तो हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो इट्स बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ 2-3 सिग्मा टॉपिक, बिकॉज 1-2 एंड 1-2 एंड 3, जहाँ से आपने बॉन्ड ब्रेक किया वहाँ से नंबर करो, और वहाँ से 2-3 में इनके बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपके पास तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा उस केस में। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो ये वाली चीज़, अब इसमें क्या है, इफ़ यू आर टेकिंग एनब्यूटाइल लिथियम, देखो एनब्यूटाइल लिथियम बहुत कुछ कर सकता है, यहाँ पे भी एच प्रेजेंट है, ये वाली एच भी रिमूव कर सकता है, बट उससे कुछ होगा नहीं, फर्दर रिएक्शन तभी, बिकॉज देखो जो डी प्रोटोनेशन है ना वो भी क्या होती है, रिवर्सिबल ही होती है, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि अगर बी बहुत कम बना हुआ है बट अगर वो किसी सी में कन्वर्ट हो रहा है तो सारा का सारा इक्विलिब्रियम उसको ही फेवर करेगा, तो इसमें भी यही हो रहा है। देखो हमें पता है ये वाली ज़्यादा एसिडिक है, रीज़न क्या है कि वो एलाइल एनायन है, बट ये वाली भी रिमूव हो सकती है, और आप कहोगे ये वाली भी रिमूव हो सकती है क्योंकि तीन है ना पॉसिबल, बट अगर ये वाली रिमूव होती है, इसकी देखो पॉसिबिलिटी कम है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी की है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है बट वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकती उसके साथ क्योंकि वो रिंग के अंदर कंस्ट्रेंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये यहाँ पे एनायन जनरेट होगा, अगर यहाँ पे एनायन जनरेट होता है तो वो क्या करेगा, वो इधर रिएक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर दोगे, तो जब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपने ये साइकिल ही ब्रेक कर दिया ना, तो अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं तो ये आपके पास क्या आएगा, 1-2-3-4-5,
7, 8 and 9. तो आपके पास एक 9 मेंबर रिंग आ गई, ठीक है। तो 9 मेंबर आप बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे 1 शुरू करता हूँ, तो मैंने 8 दिया था ना इसको, तो 9, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे मैं और रिंग एक्सपैंड करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम 9 मेंबर बनाएंगे ना। तो 9 मेंबर आप जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक और बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे सल्फर आएगी, ये 8th पे थी, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ गया, फिर वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, अब आ गया। अब इसके बाद आपका बेसिकली यहाँ पे रिंग एक्सपैंड हो गई है ना। तो रिंग एक्सपैंड होने के बाद जहाँ पे आपके पास 2 और 3 है, वहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आया, ठीक है। तो आपके पास ये वाली चीज़ आ गई आफ्टर रिंग एक्सपेंशन, ठीक है, आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द 1J शिफ्ट। 1J शिफ्ट क्या है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 1, 3, 1, 7 एंड 1, 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। और वहाँ पे भी मैं स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन शिफ्ट की, ठीक है। अब इसमें ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, दैट 1, 3, 1, 5 एंड 1, 7, इफ़ आई टॉक अबाउट थर्मल एंड फोटोकेमिकल, जो आपकी 1, 3 है ना, दैट इज़ अलाउड फोटोकेमिकली ओनली, दैट इज़ नॉट अलाउड थर्मल। और ये अलाउड भी किस सेंस में है, इट इज़ अलाउड इन द सुपराफेशियल मैनर, मतलब सेम फेस से आएगा आपका एच। अगर हम 1, 5 की बात करते हैं, तो 1, 5 आपकी थर्मली अलाउड है, फोटोकेमिकली अलाउड नहीं है। और अगर हम 1, 7 की बात करते हैं, 1, 7 फोटोकेमिकल अलाउड है, इवन थर्मल भी अलाउड है। बट इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, देखो 1, 3 सुपराफेशियल है, 1, 5 भी सुपराफेशियल है। देखो एंटारा होने के लिए आपको देखा था मैंने डील्स एल्डर में, जैसे हमने बात करी कि सुपरा होने के लिए मींस के वहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेन है, वहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि उल्टी साइड से ओवरलैप हो पाए, ठीक है। बट अगर हम 1, 7 वाले सिस्टम्स की बात करते हैं ना, खासकर उन सिस्टम्स की जो हमारे पास क्या होते हैं, एसाइक्लिक, उनमें क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण वहाँ पे एंटारा फेशियल ओवरलैप भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो तो थर्मल होता है ना, दैट इज बेसिकली एंटारा फेशियल, और ये वाला सुपरा ही है, मतलब ये सुपरा एंटारा दोनों हो सकता है। बट यहाँ पे ये जो मेन चीज है कि अगर ये थर्मली अलाउड है ना, तो थर्मली दैट विल ऑलवेज बी एंटारा फेशियल, थर्मली इट विल ऑलवेज बी एंटारा फेशियल, राइट। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस सिस्टम, ठीक है, अब इसको आपने देखना कैसे है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। पहले तो आप इस चीज़ को लिख लो, ठीक है, अगर ये थर्मल में होगी तो इट हैज़ टू बी एंटारा फेशियल ओनली। अब इसमें आप इसको लिख लो कि आपके पास जब आपने ये करवाया, तो ये वाली जो हाइड्रोजन है, देखो आप क्या करोगे, यहाँ बंद करो, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये ट्रांसफ़र करोगे, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो आपने ये वाला स्टूडेंट्स बॉन्ड ब्रेक किया, तो देखो मैंने अभी बताया था कि 1 और 7 नंबर आप कहाँ से करोगे, जहाँ से आपने बॉन्ड ब्रेक किया है। तो 1 और 7 एटम के इन बिटवीन क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं 1-7 हाइड्राइड शिफ्ट। और इस तरह आपके ना कम्प्लीटली कॉन्जुगेशन में जाना चाहिए सिस्टम, ठीक है, तभी ये हो पाएगा। तो ये क्या हुआ आपने पास, ये आपके पास ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। वहाँ पर जो आपकी एच ट्रांसफ़र हुई थी वो पहुँच गई, और ये आप ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये जो आपकी एच शिफ्ट हुई है, दैट इज़ वाया 1-7 हाइड्रोजन शिफ्ट। अब कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, देखो ये वाला जो एग्जांपल लिया ना, दैट इज़ बेसिकली डिपिक्टिंग
सुपरफिशियल। हाउ? देखो आपने थर्मल कंडीशन ली है और आपके पास यहाँ पे कौन सी पॉसिबल होगी, नंबर करो 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जाएगा फ्रॉम द सेम फेज, ये ऐसे ये ऐसे। तो यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, बेसिकली 1, 5 एच शिफ्ट करा रहा हूँ, और वो आपको पता है वो क्या होती है, सुपरफिशियल इन नेचर होती है। इट इज़ सुपरफिशियल इन नेचर, राइट। तो ये अबव से ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पे देखो अबव से मेरा मतलब यही है कि यहाँ पे जो फेज़ है ना इसका, इसका फेज़ उससे मैच कर रहा है, तो सेम फेज से करेगा। तो सेम फेज से करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो ऐसी रही। देखो एक्चुअली में क्या होगा कि वहाँ पे हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री दी होगी, आइदर इट इज़ आर आइदर इट इज़ एस। तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र किया अबव फेज पे ट्रांसफ़र किया, क्योंकि वो अबव प्रेजेंट था। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन आएगा वो अबव फेज ट्रांसफ़र हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना वो आपने डिफाइन कर ली वाया दिस, वाया सुपरफिशियल। यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिफाइन होगी, आप उसका निकाल भी सकते हो। देखो यहाँ पे इसको प्रायोरिटी 1, इसको 2nd और इसको 3rd। तो यहाँ से जब आप किया इट इज़ बेसिकली आर, बट दैट आर चेंजेस इन टू एस। तो आपको एस कॉन्फिग्रेशन मिली, वाई चेंजेस इन टू एस बिकॉज जो आपका एच है वो अबव प्लेन है ना, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो आपको एस मिली। तो एस कॉन्फिग्रेशन आपको स्पेसिफिकली मिली वाया सुपरफिशियल हाइड्रोजन शिफ्ट। उसके बाद हम करते हैं अबाउट इन रिएक्शन। एक बार आप पिछला वाला देख लो, नोट कर लो उसको, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना इन रिएक्शन। अब इन रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो आपके पास यहाँ पे भी क्या होगी, बेसिकली यहाँ पे इसको बोलते हैं एज एन इन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जस्ट लाइक वहाँ पे डायबल एरोफाइल था, यहाँ पे आपके पास इनोफाइल होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र करके लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो आप क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो आपने यहाँ पे किया क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करी, इसको हम बोलते हैं इनोफाइल, जिसको हमने हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तो मैंने इनोफाइल ये लिया था, हमारे पास जो इनोफाइल है ना वो आपके पास कार्बोनिल भी हो सकता है, कार्बोनिल भी हो सकता है आपका इनोफाइल, ठीक है। कार्बोनिल के केस में इनोफाइल कैसे होगा, फिर जो उस केस में ना हम हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी उस केस में ये वाला जो पार्ट है ना वो H प्लस पकड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एरोज़ का फ़र्क होगा। यहाँ पे तो आपको समझ आ गई कि हम कैसे दिखा रहे हैं इन रिएक्शन। अब नेक्स्ट में देखो, अब इन रिएक्शन में ना अभी हमने मैंने पहले बोला था एल्डर इन रिएक्शन, तो स्टूडेंट उसमें थोड़ी सी गलती थी। एल्डर इन रिएक्शन वो वाला होता है जिस केस में आपके पास इन तो नॉर्मल है, ठीक है, इन जो आपके पास है दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। और जो इनोफाइल है ना दैट इज़ नॉर्मली जो आपका डाइनोफाइल होता था उस केस में, एल्कीन इज़ द इनोफाइल, ठीक है। एल्डर इन में आपकी एल्कीन ही होती है एज एन इनोफाइल, ठीक है। और जो मैंने कार्बोनाइल इन रिएक्शन बोला था उसमें कार्बोनिल कंपाउंड आपका इनोफाइल होता है, तो वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना नाम में। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं ये वाला, इसमें क्या है इन रिएक्शन है। अब इन रिएक्शन कैसे है, देखो PCC कार्बोनाइल इन रिएक्शन है, इसको इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, देखिए ऑक्सीडाइज करने के बाद ये इन रिएक्शन अंडरगो कर सकता है। कैसे कर सकता है, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो अब मैं यहाँ पे अगर ये वाली एच लूँ, ठीक है, ये इस पर अटैक कर सकता है, ये ऐसे जा सकता है और ये फिर यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ कि इन दो में बॉन्ड बन गया, तो इन दो में बॉन्ड बनने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये साइक्लाइज हो गया, ठीक है। और इसकी अब स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने समझनी है, क्या समझनी है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनानी पड़ेगी, बिकॉज ये वाली भी अपने पास क्या होती है कंसर्टेड होती है। तो कंसर्टेड होने का मतलब है यहाँ पे, अब इसको आप साइक्लिक फॉर्म में दिखाओ, तो साइक्लिक फॉर्म में आप कैसे दिखा सकते हो, ध्यान से देखना।
देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और यहाँ पे H। मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको, आपको समझ आएगी। हमने सबसे आराम आराम से बनानी है 6 मेंबर ट्रांजिशंस थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या किया, 1, 2, 3 तो 3 पोजीशन पे आपके पास मीथाइल है। अब देखो मीथाइल आपका क्या था, बिलो प्लेन दिया हुआ है इन द क्वेश्चन। सो बिलो प्लेन आप इसको ऐसे दिखा दो कि बिलो प्लेन है मीथाइल आपका, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 जो आपका 8th कार्बन है, ठीक है। और आपके पास 3, 4, 5, 6 आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और जो आपके पास एक मिथाइल इस पे है 7th पे, इट इज़ लाइक दिस, और एक आपके पास ऐसे है। तो हमने इसकी 6 मेंबर ट्रांजिशन से देखना कैसे बनाई। सबसे पहले आप चेयर फॉर्म में इसको ओरिएंट कर लो ऐसे, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये ऐसे, और इन दो में बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में 6 मेंबर बनेगी। तो 6 मेंबर कैसे बनेगी ध्यान से देखना। Like this. Okay, मैं उस तरह नहीं दिखा रहा आपको, जो डैश मैनर में दिखाना है ना वो आप दिखा देना बॉन्ड्स को, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मिथिलीन होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे मैनर में यहाँ पे आपको 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 मेंबर मिलेगी। अब इसमें क्या है, मैंने किया क्या है, देखो ये वाला एच मैंने अबव किया, क्यों ऐसे ही क्यों किया मैंने, बिकॉज ये वाला जो ग्रुप है दैट इज़ बेसिकली यार अल्काइल ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है दैट इज़ बेसिकली अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप को आप चेयर फॉर्म में हमेशा किस फॉर्म में रखते हो, इक्वेटोरियल मैनर में रखते हो। यहाँ पे आपका मिथाइल इक्वेटोरियल था, राइट। अब क्या होगा, ये इसने एच एब्स्ट्रैक्ट करी, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो आपके पास जो बॉन्ड बना ध्यान से देखना, इट विल बी लाइक दिस, ये आपका बॉन्ड बन गया। अब देखो इसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर ली, तो ये ओ एच तो बिलो प्लेन ही है, बिकॉज ये वाला एच तो अबव प्लेन था, राइट। यहाँ पे आपने क्या किया, आपका बॉन्ड आ गया यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे है और जो मिथाइल ने इन एच दी है उसका ऐसे आ गया। यहाँ पे आपका एच ऐसे था और यहाँ पे आपका मिथाइल ऐसे था। तो हमने किया क्या है ध्यान से देखना, हमने इसको ऊपर ओरिएंट इसीलिए किया ताकि वो कार्बनिल को एच दे पाए। तो अगर इसको हमने ऊपर ओरिएंट किया तो जो आपकी एच है वो बिलो प्लेन आ गई, और ये वाली एच आपने अबव प्लेन ओरिएंट की ताकि ये वाला कार्बनिल आप ऐसे दिखाओ और इस बॉन्ड को आप इक्वेटोरियल दिखाओ स्टेबल चेयर में। तो यही हुआ है। तो अब इसको आप थोड़ा सही ढंग से लिख लो, तो आप अगर प्लेनर फॉर्म में इसको लिखोगे जिसमें लिखा ही हुआ है, तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला ग्रुप आपका अबव है और ये वाला ग्रुप आपका बिलो है, राइट। तो ये वाला ग्रुप बिलो है और ये वाला ग्रुप आपका अबव है, राइट, एंटा है, और ये वाला ग्रुप आपका 1, 2, 3 ये भी बिलो है बिकॉज ये इक्वेटोरियल था, तो ये ऐसे आ गया। तो आपने देख लिया 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से हमने कैसे किया। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के सिन है, बट ये दोनों एक दूसरे के एंटा चले गए आफ्टर 6 मेंबर जब आपने बनाई, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा इस केस में, आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी सी ऑप्शन, ये दोनों एक दूसरे के सिन है वाइल ये एंटा है इसके विद रिस्पेक्ट टू, तो आपका आंसर सी आएगा, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मेटालो इन रिएक्शन, जैसे हमने पहले इन रिएक्शन करा कार्बनिल इन रिएक्शन करा, अब इसमें ना मेटालो इन रिएक्शन भी होता है। इसके इसमें आपको कैसे दिखाना है, इसके इसमें आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाना है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये यहाँ पे हुए और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो नॉर्मली ऐसा ग्रिग्नार्ड इस तरह रिएक्ट कर सकता है, तो आपके पास क्या आएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो आपका जो ग्रिग्नार्ड है
वो उधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल अगर बेंजाल्डिहाइड ऐड करोगे, इस केस में आपके पास क्या होगा, ये चीज़ आ जाएगी एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज़ आर मेटालोइन रिएक्शन। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना फोटोकेमिस्ट्री पार्ट। है फोटोकेमिस्ट्री में ना आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो रिएक्शंस है ना वो प्रिडिक्ट लाइक कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस तो हैं, हम उन्हीं को करेंगे और गेट में भी वही पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो अगर फोटोकेमिस्ट्री की बात करें ना, आप क्या करोगे, आपके पास सिंगलेट स्टेट होती है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेशन होती है जब लाइट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है, तो एक्साइटेशन। अब आप ज़ेब्लॉन्स्की डायग्राम में वेरियस फिजिकल फोटो फिजिकल प्रोसेसेस पढ़ते हो, अगर ये यहाँ से डायरेक्ट दोबारा रिटर्न कर जाएगा तो उस केस में वो फ्लोरेसेंस है। बट अगर वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करके एक ट्रिपलेट स्टेट में आए, तो ट्रिपलेट स्टेट में आपको पता है अगर हम एनर्जी वाइज देख रहे हैं तो ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी कम है, तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसका लाइफ टाइम ज़्यादा है। तो लाइफ टाइम ज़्यादा है, तो जब भी हम मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, जो रिएक्शंस की बात करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, वो किस स्टेट पे होती है, बेसिकली ट्रिपलेट स्टेट की रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो हम यहाँ पे किसकी डिस्कस करेंगे, कार्बोनिल की रिएक्शंस करेंगे मेजरली। ठीक है, कि फोटोकेमिकल कंडीशंस में आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप नॉर्मली ट्रिपलेट स्टेट दिखाते हो तो ट्रिपलेट में आपके पास लाइक दिस है। ओके, तो आप किस तरह नॉरिश टाइप वन नॉरिश टाइप टू क्लीवेज करोगे, हम उसी को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द नॉरिश टाइप वन क्लीवेज। अब इसमें आपको ना कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये क्या है, अपने पास अल्फा क्लीवेज है, रेडिकल्स की अल्फा क्लीवेज है। अब इसमें आपके पास क्या होती हैं, दो तरह के फेजेस होते हैं, एक अपने पास लिक्विड फेज होता है, एक अपने पास वेपर फेज होता है। तो वेपर फेज में तो आप अल्फा क्लीवेज करके कार्बोनाइलेशन डीकार्बोनाइलेशन करते ही हो, बट अगर हम लिक्विड फेज की बात करें उसके इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे सबसे पहले आप अल्फा क्लीवेज उस साइड से करोगे जहाँ पे आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड रेडिकल बना। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स आपको नॉर्मली यही करना होता है, आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है और उस हिसाब से पाथवे देखना है। अब यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग कि लिक्विड फेज में क्या होता है, आप सबसे पहले तो अल्फा क्लीवेज करोगे, देन अल्फा क्लीवेज के बाद आप डीकार्बोनाइलेशन तभी करोगे जब आपके पास दोनों साइड पे जो रेडिकल्स बन रहे हो ना वो स्टेबल बन रहे हो। ठीक है, वाइल वेपर फेज में तो आप डीकार्बोनाइलेशन करोगे ही। तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं। अब जैसे इसकी बात करते हैं, अब यहाँ पे इसकी नॉरिश टाइप वन क्लीवेज है। नॉरिश टाइप वन क्लीवेज तब भी होगी जब हमारे पास ना कोई गामा हाइड्रोजन नहीं है जिसको एब्स्ट्रैक्ट कर पाए ओ रेडिकल, वो नॉरिश टाइप टू में होता है। अब देखो जैसे इस एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें फोटोकेमिकल कंडीशंस में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया। अब यही वाला बॉन्ड आपने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि देखो यहाँ पे दो तरह के अल्फा बॉन्ड क्लीव हो सकते हैं ना। आपने ये वाला बॉन्ड क्लीव कर दिया तो आपने यहाँ पे रेडिकल बना दिया, एक यहाँ पे रेडिकल है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या तरीके हैं, आप इसको डीकार्बोनाइलेशन कर सकते हो, बट यहाँ पे आप डीकार्बोनाइलेशन नहीं करोगे। सबसे पहले तो वहाँ पे फेज मेंशन नहीं है, लिक्विड फेज है या वेपर फेज है, तो आप उसको लिक्विड फेज मान के चलो। और यहाँ पे आप डीकार्बोनाइलेशन नहीं करोगे, इसका मतलब है क्यों नहीं करोगे, बिकॉज देखो यहाँ पे जो रेडिकल आएगा वो क्या है, सेकेंडरी है, वो इतना स्टेबल नहीं है। और मैंने इसी साइड से अल्फा क्लीवेज क्यों करी, बिकॉज यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल है, उसके पाई बॉन्ड से वो स्टेबलाइज्ड है कॉन्जुगेशन के वाया। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो फ्रेगमेंट है ये क्लीव करेगी, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होगा कि हम यहाँ पे जो रिंग स्ट्रेन है उसको रिलीज करेंगे। ठीक है, रिंग स्ट्रेन रिलीज करेंगे, तो यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे रेडिकल आ गया। अब इसके बाद क्या आप कर दोगे, आप दोबारा से डीकार्बोनाइलेशन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे रेडिकल स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेशन रेडिकल्स का, ये वाला इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप इन दोनों को रिकम्बाइन कर दिया, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो आपके पास 9 मेंबर प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब 9 मेंबर आप कैसे बनाओगे,
हम नाइन नंबर ऐसे बना सकते हो इस केस में आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ 9, 8, 7, 6, 5, 4 and 3, तो 4 and 3 के इन बिटवीन आपका डबल बॉन्ड है और आपने 1 और 9 के इन बिटवीन बॉन्ड बनाया। अब इसमें देखो मैंने जो एल्कीन बनाई है वो कौन सी बनाई है, ट्रांस बनाई है। अब यहाँ पे आपको सिस भी तो मिल ही सकती है। अब सिस बनाने के लिए आप क्या करोगे, सिस बनाने के लिए ना आप डबल बॉन्ड यहाँ पे ओरिएंट कर लो, ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5, 4 and 3, तो दोनों ऑन द सेम साइड है, 3, 2 and 1, ठीक है। तो आप इसको इस लाइन से भी कर सकते हो लाइक दिस, ओके, अब ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गई, सिस बनेगी, वहाँ पे हमारे पास ट्रांस बन गया। आपके पास दोनों तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, बट आपको एक चीज़ समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे आप किस तरह आपने रिएक्शन करा। आप कुछ और एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये वाले पास अपने पास क्या है, हमारे पास रिजिड सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे बायसाइक्लिक कीटोन्स में किस तरह रिएक्शन होती है, इसमें ना आपको क्या करना है, इसमें आपको डीकार्बोनाइलेशन करवानी ही है हमेशा। तो आप याद रखना है, इसमें आपको डीकार्बोनाइलेशन करानी है। तो जब आपने डीकार्बोनाइलेशन करा दी तो आपके पास रेडिकल कहाँ कहाँ पे आया, एक तो यहाँ पे रेडिकल आया। ऐसे रिजिड सिस्टम्स में आप ऐसे करोगे जब भी आप नॉरिश टाइप 1 करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिकल आया, यहाँ पे रेडिकल आया, इसके बाद आप क्या करोगे, इस रेडिकल को जब अगर आप इन दो रेडिकल्स को रिकम्बाइन करते हो, आप देखो कितना ज़्यादा स्ट्रेन सिस्टम बनेगा। इन दो रेडिकल्स को अगर आपने रिकम्बाइन कर लिया तो 1, 2, 3 and 4 आपके पास 4-membered ring बनेगी। तो अब इसको रिकम्बाइन नहीं करोगे, आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड आप क्लीव कर दोगे। तो आपने इस वाला बॉन्ड क्लीव कर दिया तो इस तरफ आपके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और आपने क्या किया, ये वाला बॉन्ड क्लीव करके यहाँ पे जो रेडिकल और यहाँ पे जो रेडिकल आएगा उनका डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे जो रेडिकल वहाँ पे जो रेडिकल आएगा उनका भी डबल बॉन्ड बना दिया आपने लाइक दिस, ठीक है। इसको नाम दे दो लाइक 1, 2, 3, 4, 5 and 6, बिकॉज आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया ना, सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा। बायसाइक्लिक कीटोन्स के केस में आप यही करवाओगे। अब लास्ट वाला एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे अब मैंने बोला आपने अल्फा क्लीवेज कराई, दोनों साइड्स एक जैसी हैं, आप कहीं भी साइड से करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आप डीकार्बोनाइलेशन करवाओगे, बिकॉज अगर यहाँ पे आप डीकार्बोनाइलेशन करवाओगे तो यहाँ पे आपका फिनाइल आएगा, अब यहाँ पे दोनों रेडिकल स्टेबल, आप इन दोनों को रिकम्बाइन कर दो, तो इस केस में जो आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा डेट विल बी दिस वन। चलिए उसके बाद हम ये वाला करते हैं, इसमें अगेन हम नॉरिश टाइप 1 कराएंगे। अब बट इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा सॉल्वेंट दिया हुआ है, आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो जब भी स्टूडेंट्स आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हो ना, तो आपने कौन सा वाला पाथवे फॉलो करना है जिसमें आप कीटिन बनाओगे, क्या बनाओगे, कीटिन बनाओगे। अब यहाँ पे कीटिन कैसे बनेगी, नॉरिश टाइप 1 आप करोगे फ्रॉम दैट साइड जहाँ पे आपके पास मोर स्टेबल रेडिकल बने, तो यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये वाली जो हाइड्रोजन है, ये वाला रेडिकल क्या करेगा, ये वाला रेडिकल ये वाली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो रेडिकल और यहाँ पे जो रेडिकल आएंगे वो आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो आपके पास क्या कीटिन बन गई, एंड दैट कीटिन इज़ बेसिकली स्ट्रेन फ्री कीटिन, यहाँ पे वो एच लग गई, बाकी यहाँ पे सारा सिस्टम होगा एज इट इज़, ठीक है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो कीटिन बनाई है ना, उस कीटिन पे क्या होगा, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो अटैक करेगा। तो जब वो अटैक करेगा, आप इसको डायरेक्ट ऐसे ट्रिक से बना लो कि आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी एनएस्टर, ठीक है। तो आपके पास एस्टर आएगा जब आप कीटिन पे अटैक कराओगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपके पास वाटर है, आप तब भी करा सकते हो, वाटर के केस में आपके पास एसिड आएगा,
नाउ इसके बाद हम करते हैं नॉरिश टाइप टू। अब नॉरिश टाइप टू में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे ये जो गामा हाइड्रोजन है ना वो रेडिली एक्सेसिबल है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले फोटोकेमिकल कंडीशन में हम कार्बोनिल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा के यहाँ पे रेडिकल आएंगे, ठीक है। अब ये रेडिकल क्या है, सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के वाया, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5, आई प्रेफर दिस 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सिक्स मेंबर से ये क्या करेगा, ये रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे रेडिकल आ गया, यहाँ पे रेडिकल आ गया। सो व्हाट डज दैट मीन, यहाँ पे OH आ गया यहाँ पे। अब देखो ये वाला जो चीज़ बनी है ना, ये नॉरिश टाइप टू में बनती है, बेसिकली गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होती है। अब ये वाली चीज़ क्या कर सकती है, यहाँ पे दो तरह के वेज हैं, वन इट इज साइक्लाइजेशन। ये साइक्लाइजेशन कब प्रेफर होगी, जब हमारे पास ये R1 और R2 है ना, इट इज़ बेसिकली एन अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल अगर मिथाइल हो गया या कुछ हो गया। बट अगर R1 और R2 दोनों ही हाइड्रोजन है, या दोनों में से अगर कोई एक भी हाइड्रोजन है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास साइक्लाइजेशन नहीं होगी, उस केस में हमारे पास बॉन्ड क्लीव करेगा। बॉन्ड कैसे क्लीव करेगा, देखो ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये पाथवे होगा इस सेंस में, मतलब इनोल ठीक है, और साइक्लाइजेशन होगी। तो साइक्लाइजेशन हो गई मींस यहां पे तो साइक्लाइजेशन होने के बाद आपके पास जो अल्कोहल मिलेगी वो तभी मिलेगी जब आपके पास ये वाली चीज हो। अब ये पता क्यों होता है, ये होता है एंट्रोपी इफेक्ट के कारण। आपने थोर पे इनगोल्ड इफेक्ट ज़रूर पड़ा होगा, उसके इसमें क्या होता है कि अब देखो एंट्रोपी कम हो रही है ना जब आप साइक्लाइजेशन कर रहे हो, बट अगर वहाँ पे आप बल्की सब्सिट्रेंट्स लगा देते हो तो इनिशियल में इतनी फ्री एंट्रोपी नहीं होती, तो जो एंट्रोपी का चेंज है वो कम आता है। इसीलिए साइक्लाइजेशन होगी कब, जब आपके पास बल्की ग्रुप्स हों, राइट। तो आपको ये याद रखना है। चलिए उसके बाद हम करते हैं पेटर्नोबिची। मैंने आपके साथ फोटोकेमिकल 2+2 साइक्लाइजेशन डिस्कस करी थी। जो पेटर्नोबिची है ना उसमें क्या होता है कि आपके पास एक यूनिट होता है कार्बोनिल वाला और दूसरा यूनिट होता है आपके पास एल्कीन। दोनों के क्या होते हैं, 2π कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, और ये कब होती है, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। अब इसमें बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ना एल्कीन के ऊपर, और दूसरा क्या हो सकता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हों एल्कीन के ऊपर, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो आपको क्या करानी है, आपको इन्वर्जन करानी है। रिएक्शन दोनों केसेस में स्टीरियो स्पेसिफिक ही हैं, बट एक केस में आपको इन्वर्जन करानी है, एक केस में आपको रिटेंशन करानी है। प्रोडक्ट आपको एक ही मिलेगा बट डिफरेंट तरह का मिलेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो आपके पास होगा क्या, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों पाई कॉम्पोनेंट्स को जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, फिनाइल फिनाइल। अब यहाँ पे आपको मिथाइल्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करनी है ना, इनिशियल में आपको क्या है, सिस दिया हुआ है। अब मैंने क्या बोला, आपको इन्वर्जन करानी है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हों एल्कीन के ऊपर, तो आपको यहाँ पे इन्वर्जन करा दी, तो आपके जो मिथाइल्स होंगे इस केस में दे विल गो ट्रांस टू ईच अदर। रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक बट इट प्रोसीड्स विद द इन्वर्जन, प्रोडक्ट इज वन ओनली। चलिए उसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा मॉलिकुलर साइक्लोएडिशन। अब इसमें देखो क्या है, आपको फोटोकेमिकल कंडीशंस दी हुई हैं। अब यहाँ पे आप क्या करा सकते हो, आप इंट्रा मॉलिकुलर आपने साइक्लोएडिशन करवानी है, गेट ने दिया हुआ है कि आपको इंट्रा मॉलिकुलर साइक्लोएडिशन करानी है। अब इस केस में आप पेटर्नोबिची भी करा सकते हो, दैट इज़ बेसिकली कार्बोनिल और एल्कीन की 2+2 साइक्लोएडिशन, या फिर आप ये वाली चीज़ करा सकते हो। इस केस में आप मेरी बात याद रखना, जब भी आपके पास ईनोन दिया हो ना, तो इनोन का जो एल्कीन कंपोनेंट है वो दूसरे एल्कीन कंपोनेंट के साथ 2+2 फोटोकेमिकल साइक्लोएडिशन देता है। मींस कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाले डबल बॉन्ड के साथ 2+2 साइक्लोएडिशन देगा, यहाँ पे कार्बोनिल वाला डबल बॉन्ड नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दी मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ओनली, जो आप अभी समझ सकते हो कि आपके पास ये वाली चीज़ आएगी।
तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ये वाला। आप देख सकते हो कि दोनों जुड़ गए और दोनों ने रिंग बना दी। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द बार्टन रिएक्शन। एक बार आप पिछला वाला देख लो, देन हम डिस्कस करेंगे अपना बार्टन रिएक्शन। अब बार्टन रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। बार्टन रिएक्शन में क्या है, देखो आपके पास नाइट्राइड एस्टर है, ठीक है, और नाइट्राइड एस्टर है तो आपके पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये वाली जो हाइड्रोजन है ना एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कब करेगा, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस। फोटोकेमिकल कंडीशंस में क्या होगा, जो आपका ONO बॉन्ड है वो होमोलिटिकली क्लीव करके यहाँ पे रेडिकल आएगा। फिर उसके बाद जब वहाँ पे उसने रेडिकल ने क्या करेगा, वो ये वाली H एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसको आप बोल सकते हो अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। आपको बोल सकते हो आप डेल्टा H एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो डेल्टा H एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे रेडिकल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप लगा दो। उसके बाद क्या होगा, जो आपका NO रेडिकल निकला वो इसके साथ क्या करेगा, रिकम्बाइन करेगा। अब यहाँ पे ना तीन केसेस आएंगे। केस वन क्या है, जिस केस में आपके पास अगर वहाँ पे दोनों हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे तो अब मैंने मिथाइल लगा दिया बेसिकली। वहाँ पे अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे बाय R1, R2 एंड R3, ठीक है। तो अगर हमारे पास R1, R2 और R3 तीनों क्या हैं, हाइड्रोजन ही है, तो वहाँ पे क्या होगा, देखो आपके पास ये वाली चीज़ आ गई, तो वहाँ पे NO कंबाइन कर गया, आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन ही हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, आपको वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो वाटर रिलीज होने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी नाइट्राइल, ठीक है। पर सेकेंड केस क्या हो सकता है, जिस केस में आपके पास R1, R2 हाइड्रोजन है, ठीक है, वहाँ पे तो आपके पास तीनों, सॉरी यहाँ पे जस्ट सेकेंड गलती हो गई, यहाँ पे R1 एंड R2 ही है ना केस। R1 एंड R2 अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये केस बनेगा। अगर R1 और R2 बेसिकली अगर R1 हाइड्रोजन है और R2 अपने पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो आपके पास क्या आएगा उस केस में, उस केस में आपका ऑक्साइम बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइम। राइट, और अगर आपके पास दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं तो उस केस में आपके पास सिंपल ये वाली चीज बनेगी, ठीक है। तो आपको ये तीन केसेस याद रखने हैं। बाकी आपको पता करना है कि वो सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे NOCl दिया हुआ है, साथ में पिरिडीन दिया होगा, तो आपका सबसे पहले नाइट्राइड एस्टर बनेगा। गेट का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, नाइट्राइड एस्टर आपका बना, अबव प्लेन बना। अब उसने क्या करना है, उसने एच एब्स्ट्रैक्ट करनी है, तो यहाँ से ये एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन दी हुई है, जो उसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे ओ रेडिकल जनरेट होगा। अभी ओ रेडिकल क्या करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो सिन में उसका हाइड्रोजन है ना वो उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सबसे पहले तो गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फ्रॉम द सिन मैनर। तो ये यहाँ से इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, वहाँ पे रेडिकल आ गया। बाकी उसने इसीलिए नहीं एब्स्ट्रैक्ट किया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूर है, सिन से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो सिन से उसने एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे NO रेडिकल कंबाइन कर गया, तो आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पे कौन सा केस है, इसके पास दो हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नाइट्राइल आ जाएगा बाय द लॉस ऑफ वाटर। क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे नाइट्राइल, ठीक है। तो नाइट्राइल की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, इस केस में आपके पास ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बट यू विल गेट एन एल्डिहाइड, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी ए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना डायपाइमीथेन रीअरेंजमेंट। अब डायपाइमीथेन रीअरेंजमेंट में क्या है, कुछ नहीं है, इसमें आपके पास ऐसा सिस्टम होगा, इट इज़ बेसिकली 1,4-diene, कैसी डाइन, 1,4-diene, सच दैट द टू डबल बॉन्ड्स दे आर सेपरेटेड बाय एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम।
वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ना यूजली इट इज बेसिकली सब्सटीट्यूटेड बाय द 2R ग्रुप्स। अब इसमें होगा क्या ना, आपको डायरेक्ट करना, आपको माइग्रेशन करनी है। डायरेक्ट आप इसको इससे माइग्रेट करोगे, ये वाला आप बॉन्ड ब्रेक कर दोगे। तो जब आपने इसको इस पर माइग्रेट किया, तो जब आप माइग्रेट करोगे ना, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे क्लीव कर गया। तो जिस पे आप माइग्रेशन करोगे उस पे रेडिकल आएगा, और जब आपने जिसको माइग्रेट किया उसका डबल बॉन्ड रिटेन रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आपके पास R1 R2 है, यहाँ पे रेडिकल। अब ये दोनों रेडिकल्स, ये जो डाई रेडिकल बनाए, ये डाई रेडिकल क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दिस वन। तो आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले आपने यहाँ पे, मैं ना कंसर्टेड मैनर में माइग्रेशन दिखा रहा हूँ। कभी कभी हम 1,5 डायरेडिकल भी बनाते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आपको थोड़ी आसानी होगी करने में, ठीक है, स्टेप्स कम होंगे तो आसानी होगी। इसको बोलते हैं अपना ऑक्साइड आईपाइमीथेन। अब देखो वहाँ पे जो दो डबल बॉन्ड्स थे उनका रिलेशनशिप 1:4 था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड्स का रिलेशनशिप 1:4 ही है, बट यहाँ पे जो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इट इज़ बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, कुछ नहीं, इसमें आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है। मैं इसको माइग्रेट करूंगा इसकी तरफ, तो जब मैंने इसको माइग्रेट किया, ये ऐसे क्लीव किया, ये ऐसे क्लीव किया, यहाँ पे एक स्टेबल रेडिकल बन गया फिनाइल से कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको माइग्रेट कर दिया, राइट। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद आपके पास ये वाली चीज आ गई, तो यू गेट दिस प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड ऑक्साडाइपाइमीथेन। ठीक है, इनिशियल वाले को हम बोल रहे थे डाइपाइमीथेन, इसको बोल रहे हैं ऑक्साडाइपाइमीथेन। अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। अब देखो ये गेट का क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये जो एराइल ग्रुप दिया हुआ है उस पर साइनो है, तो यहाँ पे हमारे पास होगी क्या, डाइपाइमीथेन रिअरेंजमेंट होगी, बिकॉज यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स दे आर सेपरेटेड बाय sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, तो इसमें आपको करना कैसे है, यहाँ पे आपके पास दो फिनाइल हैं, यहाँ पे एराइल है, तो आपको माइग्रेशन कहाँ से कहाँ करनी है, जहाँ पे स्टेबल रेडिकल बन रहा है वहाँ पे माइग्रेट करना है। तो इसको जब आप माइग्रेट करोगे तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा। नाउ दिस रेडिकल इज स्टेबल, रीज़न क्या है कि जो एराइल का साइनो ग्रुप है ना, साइनो ग्रुप भी पैरा पोजिशन पे है, तो वो रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा लाइक दिस। ठीक है, ऐसे स्टेबलाइजेशन होगी रेडिकल की, तो वहाँ पे रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मैंने वहां पे माइग्रेशन कर दी, फिर इन दोनों को आप रिकम्बाइन कर दो, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जहां पे आपके पास जो दोनों फिनाइल ग्रुप्स हैं वो क्या कर गए हैं, वो डबल बॉन्ड पे रिटेन्ड हैं, और आपके पास यहां पे एराइल ग्रुप है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ए। अब एक और कर लेते हैं डाइपाइमीथेन रिअरेंजमेंट के क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो सेम ही कॉन्सेप्ट है, इसमें देखो यहाँ पे अगर रेडिकल बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल है, मींस के मैं इस ग्रुप को यहाँ पे माइग्रेट कराऊंगा, उसका मैं डबल बॉन्ड रिटेन रखूंगा जिस ग्रुप को मैंने माइग्रेट किया है, और मैं दूसरे ग्रुप पर माइग्रेट कराऊंगा, रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल बना बिकॉज दो दो फिनाइल ग्रुप्स हैं, और ये दोनों जो मिथाइल है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे। अब इन दोनों के रिकॉम्बिनेशन के बाद आपके पास क्या बनेगा, आपके पास स्टूडेंट ये वाली चीज़ बनेगी, यू गेट DSD आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपना फोटोकेमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक वाला पार्ट खत्म होता है। सो देन आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम फॉर द अदर चैप्टर। सो टिल देन गाइस, हैप्पी लर्निंग।